हिम्मत नहीं हार सबको करके दिखा दूण दूण तेरा भाई तेरा दोस्त उससे बोल रहा कर दिखा लड़के दिखा हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन एकेडमी मेरे दोस्तों गुड मॉर्निंग देवराज गुड मॉर्निंग कुलदीप गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हाँ 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 तो साहब कहाँ थे हम लोग दो मिनट रुकेगा तो चलिए मैं हूं आपका दोस्त आपका हो सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के ऊपर

10% का डिस्काउंट हो के प्राइस कुछ इस तरीके के हो जाएंगे ठीक है अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आई विल से दैट कि आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लो क्यों क्योंकि एक साल जो आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रीलिम्स से कैलकुलेट कर रहे हो पर ये जो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है ये प्रीलिम्स से मेंस के बीच में भी आपके लिए काम आने वाला है तो एटलीस्ट अगर ले रहे हो तो 2 साल का लीजिए ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसा आज एक लास्ट डे है इस ऑफर की ये ऑफर क्या है ये ऑफर ये है कि अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको चार मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलता है मतलब पेमेंट क्या हो आप पेमेंट करोगे एक साल का आप पेमेंट करोगे ट्वेल्व मंथ का पर आपको बारह महीने के पेमेंट पे सोलह महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बहुत अच्छा ऑफर अगर लेना है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए ठीक है अब बात करते हैं हम लोग किस बारे में बात करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के लिबरेशन की एनिवर्सरी हुई थी उसके ऊपर इंडिया यूएस के रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया इंडिया और यूएस का उसके अंदर क्या रोल रहा उसके ऊपर एक आर्टिकल आया ठीक है हम बात करेंगे कि हम बात करेंगे कि इंडिया का रिस्पांस उसमें कैसा रहा

चाइना और ईरान ने क्या किया है एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है दोनों ने आपस में मिलके एक एग्रीमेंट किया है एक दूसरे से इसके बारे में बात करेंगे हम लोग बात करेंगे चाइना जो है वो क्या दे रहा है वेस्ट एशिया की तरफ थोड़ा सा हम लोग का जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है जो हम लोगों का

की पीस कीपिंग फोर्स को दिया है हम लोग बात करेंगे कि एल और आई पी एल के आई जो है उसको एक लाख करोड़ रुपए मिले हैं वहां पर एक लाख करोड़ जो है उसको उठाया गया है और हम लोग का टारगेट क्या था, था? हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग इस साल लोगों को हम लोग इस साल क्या करेंगे जितनी भी पब्लिक वाली जितनी भी सरकारी चीजें हैं उनको बेच के ए वन पॉइंट सेवन लाख फाइव लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है ये मुमकिन है उसके अलावा हम लोग जस्टिस

इसके भी पहले चलिए चलते हैं थोड़ा सा तो हुआ यह था कि पाकिस्तान आपको इधर की साइड देखने को मिलता है इधर की साइड आपका पाकिस्तान है इधर की साइड पहले बांग्लादेश नहीं था ये पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था क्या था ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था क्या था साहब पूर्वी पाकिस्तान था पूर्वी पाकिस्तान इस तरफ था और पश्चिमी पाकिस्तान इस तरफ था ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसको बड़े टाइम से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि मैं महान हूं मेरे अलावा कोई महान नहीं ये मानने का शौक जो है वो पाकिस्तान को था अभी तक जितने भी लीडर बन रहे थे जितने भी लोग जीत रहे थे इलेक्शन जीत रहे थे यहाँ पर तो वो सारे वेस्ट पाकिस्तान से थे ईस्ट पाकिस्तान से नहीं थे ये वाले इलाके से नहीं थे क्योंकि ये वाले इलाके से नहीं थे क्योंकि ये वाले इलाके से नहीं थे तो आपको देखने को मिला कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में सब कुछ सही चल रहा है पर एक दिन क्या हुआ 1971 के इलेक्शन में पाकिस्तान के 1971 के इलेक्शन में आपको देखने को मिला कि यहाँ के, के शेख मुजब्बर रहमान जो है वो इलेक्शन जीत गए शेख मुजब्बर रहमान शेख मुजब्बर रहमान क्या हो गए इलेक्शन जीत गए जैसे ही वो इलेक्शन जीते ठीक है तो वेस्ट पाकिस्तान को लगा ऐसे कैसे हाय मोरी दैया तो इन्होंने क्या किया इन्होंने शेख मुजब्बर रहमान को बंदी बना लिया इस साइड में लाके पलट कर दिया मिलिट्री रूल ले है खान का जाया जाएगा तो ईस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा तो ईस्ट पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया ईस्ट पाकिस्तान ने विद्रोह किया जब वहां पर विद्रोह हुआ तो यहाँ पर जो याहिया खान था उसने अपने गवर्नर यहाँ पर जो कमांडर था उसका नाम था टिक्का खान टिका खान को कहा टिका खान ने रिपोर्ट किया याया खान को कि याया खान यहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है क्या करूं तो याया खान ने कहा कि एक काम करो मार दो एक रात के अंदर लगभग लगभग आप मानेंगे नहीं कि दो से तीन मिलियन लोगों को मार दिया गया था यहां पर दो से तीन मिलियन लोग ऑर्गेनाइज कैंप बनाए गए थे अलग से कैंप बनाए थे जहां पर महिलाओं के साथ रेप किया जाता था दो लाख महिलाओं के साथ इस दौरान रेप हुआ लगभग 24 मार्च 25 मार्च की ये बात है उन्नीस उसके बाद से आपको देखने को मिला कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये जो ईस्ट पाकिस्तान था इसने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया इसने बोला कि हम लोग पाकिस्तान नहीं हम लो है हम लोग बांग्लादेश है हम लोग बांग्ला बोलते हैं बंगाल है इस कारण से हम लोग बांग्लादेश है इन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया एक तरफ ठीक है पर अभी भी आजाद नहीं थे अभी भी ये पाकिस्तान के अंडर में थे पर पास में था भारत और भारत में आप देखेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी देख रही थी कि अपने देश के जस्ट पास में एक छोटा सा एरिया है जो कि पाकिस्तान का और जहा वहां पर क्या हो रहा है वहां पर बंगाली लोगों को बंगाली मुस्लिम ही थे बंगाली मुस्लिम जो थे उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है ये चीज इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए पर इंदिरा गांधी को एक्शन लेना था इंदिरा गांधी पे ज्यादा बचान नहीं की बहुत भाषण नहीं दिए इंदिरा गांधी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो अगर हम लोग इसके बारे में इस केस के बारे में कुछ कहते हैं तो उससे इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल जाए उससे अलग चीज जो है वो लोग निकाल लेंगे अलग चीज कुछ निकाल लेंगे हम बोलेंगे कुछ और लोग समझेंगे कुछ और जिसके कारण से जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा इसी कारण से इंदिरा गांधी ने चुप्पी साधी और क्या कहा इंदिरा गांधी ने अपने मिलिट्री कमांडर को कहा कि बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करना है बंगाल के ऊपर आक्रमण करना है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना उससे आजाद कराना है पाकिस्तान से पाकिस्तान से आजाद कराने की बात की इस पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की बात की बात उस टाइम के मिलिट्री कमांडर ने कहा कि नहीं यार ये अभी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि मैंने बताया मार्च का महीना चल रहा मार्च के बाद अप्रैल आएगा अप्रैल के बाद मई जून के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है ये जो इलाका है यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है और अगर आप बांग्लादेश देखोगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा नदियां हैं यहाँ पर तीस्ता रिवर है तीस्ता नदी है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ढेर सारी नदियां ही नदियां वो सारी उफान पाएंगी और अगर वो उफान पाएंगी तो हमारी आर्मी को वहां पर लड़ने में मुश्किल होगी तो पहले बारिश खत्म हो जाने दो मैम उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है इतने काम करो कि यहाँ पर एक विद्रोही संगठन है मुक्ति वाहिनी करके मुक्ति वाहिनी मुक्ति बाहिनी करके विद्रोही संगठन क्यों बना मुक्ति बाहिनी विद्रोही संगठन इसलिए बना क्योंकि टीका खान ने यहाँ पर लगभग दो लाख से बीस से तीस लाख लोगों को मारा लगभग दो लाख महिलाओं का रेप किया उसके बाद से ये मुक्ति वाहिनी बना था इस देश को आजाद कराने के लिए पर इनके पास हथियार नहीं थे तो भारत ने इस मुक्ति बाहिनी को इस टाइम के अंदर ट्रेनिंग देना शुरू किया इसके अलावा इंदिरा गांधी जो है वो रशिया के पास गई इंदिरा गांधी जो है वो आप देखेंगे तो रशिया के पास गई क्यों क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर पाकिस्तान था मैं 1971 की बात कर रहा हूं 1971 में आपका क्या कोल्ड वॉर चल रहा कोल्ड वॉर के अंदर आप देखोगे तो 1971 वाला जो टाइम था 1970 वाला जो टाइम था इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान यूएस और चाइना ये तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे ये केवल पांच साल तक ही रहा चाइना यूएस के साथ यूएस का दोस्त केवल पांच साल तक रहा उन्नीस सौ सत्तर से उन्नीस सौ पिछहत्तर के बीच में पर जब ये युद्ध होने वाला था तब पाकिस्तान के साथ में यूएस का भी सपोर्ट था चाइना का भी सपोर्ट था और दूसरा ये कि भारत का तो चाइना से युद्ध हो चुका था अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करता तो हो ना हो चाइना उधर से वापस से करता पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करता यूएस जो है वो भी सपोर्ट करता और सपोर्ट किया भी था, था। तो भारत ने इस चीज को टैकल करने के लिए रशिया से दोस्ती कर ली रशिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस साइन किया एक मिलिट्री अलायंस साइन किया जिसके अंदर हम लोगों ने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो रशिया साथ में आएगा और अगर रशिया के ऊपर आक्रमण होगा तो भारत साथ में आएगा ये बात हुई क्या बात हुई कि अगर भारत पे आक्रमण होता है तो रशिया आ जाएगा भारत को बचाने और अगर रशिया पे आक्रमण होता है तो भारत उसको बचाने आएगा पूरा सब कुछ सेटल कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी में फ्रांस में अलग अलग जगह पे जाके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की हरकत के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो बांग्ला स्पीकिंग जो बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम है उनको मार रही है मार रहा है पाकिस्तान इसको काफी ज्यादा वर्ल्ड में क्रिटिसाइज भी किया गया हालांकि क्योंकि यूएस सपोर्ट में था तो इतना भी नहीं हुआ कुछ पर हुआ अब आप देखेंगे तो आपका वो दिन आया जिसे आप कहते हैं थर्ड दिसंबर तीन दिसंबर तीन दिसंबर के दिन भारत के अंदर ये कांडला कहते कहते ना इस जगह को कांडला कहा जाता है ये कांडला से एक शिप निकली एक शिप निकली और पाकिस्तान के यहाँ पर कराची के ऊपर कराची के ऊपर इतना बम मारे इतना बम मारे कि पूरा कराची धुआं धुआं कर दिए क्यों किया गया क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमको लड़ाई करना थी ये वेस्ट पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान में सारे हथियार थे रावल पिंडी यहाँ पे आता रावल पिंडी से यहाँ पर पूरा पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री चलता है तो सारा हथियार वगैरह जिसका भी सप्लाई अगर ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी के पास हो सकता है तो वो केवल वेस्ट पाकिस्तान से हो सकता है तो पहले काम करते हथियार का जो सप्लाई है हथियार जो आ सकता है ईस्ट पाकिस्तान में उसे रोक देते रोकने के लिए पाकिस्तान के पास केवल एकमात्र पोर्ट था जहां से शिप के जरिए जहां से समुद्री के समुद्र के जरिए पाकिस्तान जो है वो हथियार बेच सकता था ईस्ट पाकिस्तान को ठीक है वो था कराची उस कराची को तहस महस कर दिया ताकि ये जो हथियार है वो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में ना आ सके मतलब पाकिस्तान से आज के टाइम पे बांग्लादेश में ना आ सके इतना समझ में आया अब शिप का एक्सेस तो खत्म हो गया कि शिप से हथियार तो नहीं आ सकते समुद्र से हथियार तो नहीं आ सकते जमीन से भी नहीं आ सकते क्योंकि ऊपर की साइड आप आओगे तो हिमालय आ जाएगा बीच में भारत है भारत के ऊपर से आप हवाई जहाज भी नहीं निकाल सकते तो यहां से भी आपका नहीं आ सकता है हथियार तो हथियार पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया एक हथियार पहुंचाने का जरिया था कि हथियार इस साइड से पहुंचाया जा सकता था ठीक है एयरप्लेन जो है वो इस साइड से ले जाके इस तरीके से किया जा सकता था तो भारत ने यहाँ पर आई विक्रांत को खड़ा किया था आई विक्रांत आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी जो है वो भारतीय जो अः भारतीय नेवी जो है वो माँ कह के बुलाती है क्योंकि तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ी सी मशीन जैसी दिखेगी बड़ी सी शिप जैसी दिखेगी बड़ा सा एक मतलब देखने को मिलेगा जिसके ऊपर अलग अलग एयरक्राफ्ट अलग अलग एयरप्लेन जो होते हैं जेट प्लेन जो होते हैं वो सब जो है समुद्र के ऊपर से अगर मेरे को छोड़ना है तो समुद्र के ऊपर से छोड़ने के लिए इस कैरियर का प्रयोग किया जाता है ठीक है क्योंकि समुद्र के ऊपर से मैं एयरप्लेन छोड़ना तो सारे एयरप्लेन को मैं क्या करूं एक शिप के के ऊपर बैठा ले जाऊं और समुद्र में कहा जाता है कोई भी एयर सपोर्ट, सपोर्ट वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ ना आए पूरा स्ट्रेटेजिकली खेला इस तरीके से हम लोग की तैयारी हुई इंडिया के लार्जेस्ट वॉर की अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध जो भारत ने लड़ा था उसकी तैयारी शुरू हो गई था तीन दिसंबर तीन चार दिसंबर के दिन आप देखोगे कि पे आक्रमण को इंडियन नेवी डे मनाते भारत का नेवी डे इस दिन मनाया जाता आप प्लानिंग देखिए भारत की आर्मी की ये तो पहला हुआ हम लोगों ने पानी का सपोर्ट करके ये जो नेवी है उसका खेल हुआ नेवी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन आर्मी यहाँ पर घुसना शुरू कर दी इस पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर युद्ध हो रहा था इंडियन आर्मी क्या इंडियन एयरक्राफ्ट का भी प्रयोग किया गया इंडियन जेट ने वहां पर बहुत ज्यादा बम फोड़े और कहा गया कि हथियार डाल दो पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत की जितनी भी आर्मी है वो सारी यहाँ खड़ी भारत की जितनी भी आर्मी है वो सारी यहाँ खड़ी सही बात थी तो पाकिस्तान ने इस साइड से भारत में घुसने की कोशिश की बॉर्डर मूवी देखी है? बॉर्डर मूवी के अंदर कुलदीप सिंह को देखा होगा मेजर कुलदीप सिंह केवल ढाई सौ लोगों से ढाई हजार लोगों की आर्मी को लड़ाने वाले रातों रात में ये व्यक्ति थे पाकिस्तान की ढाई हजार लोगों की आर्मी थी और इंडिया की ढाई सौ व्यक्ति की आर्मी थी और कुलदीप सिंह ने बताया सवा लाख से एक लड़ावा सीखते बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेला कि ढाई सौ लोगों को पूरे जो इलाका था जहां पर पाकिस्तान सोल्जर आने वाले थे जहां पर पहले से इंफॉर्मेशन लग गई थी कि हाँ यहां से आक्रमण होने वाला तो ढाई सौ लोगों को पूरे चारों तरफ घेर दिया और जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आई चारों तरफ से गोलियां चल रही थी तो पाकिस्तान को एक भी एक बार के लिए डाउट हो गया कि ढाई लोग तो हो नहीं सकते इतनी गोलियां आ रही रात में इन लोगों के पास तीन लैंड थे ठीक है जो जमीन के अंदर माइन लगाते ना वो तीन ही थे इन्होंने क्या किया रात में तीन लैंडमाइन लगा दिए उसके बाद लंच बॉक्स जो होते ना टिफिन टिफिन को जमीन में गाड़ दिया शुरुआत में जब तीन लैंडमाइन से वो लोग टकराए तो धमाका हुआ लगा के यहाँ पे लैंडमाइन बिछे बीछे हुए तो ये रात भर जो है वो टिफिन को निकालते रहे और उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने अटैक किया ढाई सौ लोगों से तो ढाई हजार लोगों को यहाँ पे मारा गया फिर उसके बाद वो दिन आया सोलह दिसंबर सोलह दिसंबर उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ इकहत्तर महज तेरह दिन के अंदर अंदर भारत ने बांग्लादेश को आजाद करा और वो दिन आया जिस दिन जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हो वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी आर्मी को, किसी आर्मी 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 को को जनरल जनरल जो भारत के आर्मी थे उनको तीन आर्मी तीन देशों की आर्मी एक साथ सैल्यूट कर रही थी एक साथ सलामी दे रही थी एक थी भारत की एक थी पाकिस्तान की और एक थी बांग्लादेश की उस टाइम पे टीका खान थे यहाँ पर टीका खान रो दिए थे एग्रीमेंट करते हो अच्छा तो यहाँ पर रशिया का क्या काम आया जो रशिया से हम लोगों ने दोस्ती की उसका क्या काम आया उसका काम यह आया कि जो आपका पाकिस्तान है ठीक है पाकिस्तान के सपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने मतलब अमेरिका ने क्या किया सात फ्लीट की सात फ्लीट की न्यूक्लियर मशीन न्यूक्लियर सम्बरीन ठीक है सात फ्लीट की शिप जो है वो भारत में भेजी थी भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए भारत को डराने के लिए अक्सर करता है ना कि किसी से को डराना है तो वहां पर लाकर अपने न्यूक्लियर वेपन खड़े कर देता, क्योंकि वेपन खड़े कर देता तो लगता है कि हाँ भैया वो देश डर जाता देश डर जाता तो हथियार डाल देता है। होता है होता है तो यहां पर उसने यही किया सात आर्मी को सात सात शिप को न्यूक्लियर वाली यहां पे खड़ा कर लिया जैसे ही यूएस यहाँ पर आया रशिया ने वहां से ऑर्डर दिया क्योंकि रशिया की पहले ही समबरीन यहाँ पर अंदर थी पंडुबी में पूरे इंडियन ओशन में थी 21 फ्लीट की उसकी ट्वेंटी थी मतलब 21 शिप वहां पर थी 21 21 21 शिप इकीश, इकीश शिप उसकी वहां पर थी 21 समबरीन वगैरह यहाँ पर थी और जैसे ही यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका यहाँ आया तो रशिया ने बोला कि अपनी संबरीन निकाल के दिखा तो दो जरा सात थे इक्कीस दिख गए सामने तो चुपचाप अमेरिका वहां निकल गया रशिया ने चाइना को धमकी दे के रखी थी कि अगर भारत पाकिस्तान के मैटर में, में कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूं अगर तुम भारत के ऊपर आक्रमण करने जाओगे तो पीछे से मैं आक्रमण कर दूंगा तो ना पाकिस्तान की हिम्मत हुई साहब ना चाइना की और इस तरीके से भारत जो है वो ये युद्ध जीता डर डरजा काम न्यूज़ न्यूज़ मीनिंग

और इन सारे हथियार को लगा के इन लोगों ने आई एन एस विक्रांत को मारने के लिए भेजा अब दिक्कत यह थी भारत को यह पता चल चुका था कि विक्रांत को ये मारने आ रहे और यहां पर हम लोगों का विशाखापट्टनम में आप देखोगे तो विशाखापट्टनम में हम लोगों का आई एन एस राजपूत खड़ा था और आई एन एस राजपूत ही एकमात्र ऐसा था जो क्या कर सकता था गाजी को खत्म कर सकता था किस्मत से गाजी इस तरीके से यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई ये जो आई एन एस विक्रांत है वो यहाँ पर नहीं खड़ा है वो विशाखापट्टनम में खड़ा और ये जो गाजी है वो विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ा आईएनएस विक्रांत आईएनएस राजपूत के रडार में आया और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने आईएनएस राजपूत को भी उस दौरान खो दिया था आईएनएस राजपूत को भी उस दौरान खो दिया था पर हम लोगों ने गाजी को इस टाइम पे खत्म कर दिया हालांकि गाजी के पास इतने हथियार थे जितने आईएनएस विक्रांत के पास आईएनएस राजपूत के पास शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे ही नहीं कुछ उसके बावजूद आईएनएस राजपूत ने गाजी को उस टाइम पे खत्म किया था है ना तो 50 साल इसी बांग्लादेश के लिबरेशन के वॉर को हो चुके हैं इसी कारण से ये आर्टिकल आपका आया मैंने बताया था 26 मार्च के आसपास आपको देखने को मिला कि 26 मार्च के आसपास बांग्लादेश ने अपना लिबरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था 26 मार्च को क्या कर दिया था अपना लिबरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया था बांग्लादेश ने ईस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए इसी कारण से इसी कारण से ये मार्च के महीने में आपके लिए आर्टिकल आया जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश के अंदर भारत का रोल क्या रहा था भारत का रोल क्या रहा ये दो आर्मी रशिया और भारत की आर्मी एक दूसरे से सपोर्ट मांगते हुए ऑपरेशन सर्चलाइट जिसके तहत पाकिस्तान ने दो से तीन मिलियन लोगों को वहां पर मारा था दो लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया इसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा जाता है टीका खान का उसके बाद मुक्ति बाहिनी आपको देखने को मिलेगा मुक्ति बाहिनी मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर थे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो क्या करना चाहते थे कि स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे बांग्लादेश को भारत ने इन स्वतंत्रता सेनानियों को सपोर्ट किया इनको हथियार दिए इनको ट्रेनिंग दी थी था भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंदिरा गांधी ने मॉस्को अर्थात क्या रशिया इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड कॉपरेशन भारत सोवियत शांति सहयोग संधि की हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत यह कहा गया कि अगर हम पे अटैक होता है तो तुम आना तुम्हारे पे अटैक होता है तो हम आएंगे इस तरीके से भारत ने अपना योगदान दिया वही अमेरिका का रिस्पॉन्स अमेरिका की प्रतिक्रिया भी यहां पर दिखाई गई थी कि अमेरिका ने सेवंथ फ्लीट जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर ठीक है बंगाल की खाड़ी के अंदर सेवंथ फ्लीट छोड़ दी थी इंडिया को डराने के लिए इंडिया को डराने के लिए सेवंथ फ्लीट छोड़ दी थी दिसंबर में जो वॉर हुआ उसके दौरान पर उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा कि रशिया ने हम लोगों की मदद की इतनी बात समझ में आई क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई इसके बाद बात करते पश्चिम से उत्तर को जोड़ सॉरी पश्चिम से पूर्व को जोड़ना पश्चिम से पश्चिमी राज्यों से पूर्व को जोड़ा गया ये कैनाल देख रहे हो स्वेज कैनाल देख रहे हो ठीक है इसको और अच्छे से बताता हूं अ मिनट ओके ठीक अभी-अभी आपको देखने को मिला है कि स्वेज कैनाल जो है अभी-अभी आपको देखने को मिला कि स्वेज कैनाल जो है स्वेज कैनाल जो है उसके ऊपर एक शिप अटक गई थी ठीक है एक शिप अटक गई थी उस शिप के अटकने के कारण वहां पर जितना भी ट्रेड है वो रुक गया था इसी कारण स्वेज कैनाल पे काफी सारी न्यूज़ आई थी वहीं अभी एक आर्टिकल के अंदर सुयज केनाल के पूरे इतिहास को बताया गया क्योंकि हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और के वर्ल्ड के ट्रेड के लिए भी पूरे विश्व के व्यापार के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सुज केनाल है पूरी दुनिया का बारह प्रतिशत तक जो व्यापार होता है वो सुज केनाल से होता है जब सुयज केनाल केवल एक घंटे के लिए भी बंद हो जाता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता और यहाँ पर दो तीन दिन के लिए सुएज कैनाल बंद रही उस स्वेज केनाल के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसी कारण से स्वेज केनाल के बारे में उसके इतिहास के बारे में बताया गया था अब देखेंगे तो इजिप्ट ये कौन सी शताब्दी का है ये कौन सी जगह है ये इजिप्ट है ये इजिप्ट है इजिप्ट वगैरह सऊदी अरेबिया ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब कहां आते थे लीबिया भी ये सब 19वीं शताब्दी के अंदर ओटोमान एम्पायर के भाग हुआ करते थे ओटोमान के भाग हुआ करते थे ओटोमान साम्राज्य के भाग हुआ करते थे ओटोमान साम्राज्य जिसे मैन भी कहा जाता है, जो पहले विश्व युद्ध के बाद तोड़ दिया गया था बिखेर दिया गया था तो ये ओटोमान एम्पायर विश्वयुद्ध के पहले की मैं बात करूं अठारह के आसपास की तो इजिप्ट के अंदर ओटोमान साम्राज्य था यहां ओटोमान साम्राज्य था और ये जो यूरोप था ये पूरे यहाँ से ऐसे ट्रेड कर रहा था व्यापार जो करता था अगर भारत चाइना वगैरह से ये जो ये पूर्वी राज्य जो है ये पूर्वी राज्य कहलाते हैं इधर वाले तो ये पश्चिमी राज्य कहलाते हैं इधर वाले और ये पूर्वी राज्य कहलाते हैं तो पश्चिमी राज्यों को पूर्वी राज्यों से अगर व्यापार करना था तो उन्हें इस तरीके से घूम के आना पड़ता था अमेरिका को देखो तो अमेरिका ऐसे जाता था इजिप्ट को सॉरी ये ये जर्मनी फ्रांस स्पेन पुर्तगाल इन सबको देखो तो ये भी ऐसे घूम घूम के आते थे अभी तक पर फ्रांस ने एक चीज देखी फ्रांस ने देखा कि अगर हम लोग व्यापार जो है ये भूमध्य सागर से होते हुए अगर हम लोग यहाँ पर एक कैनाल एक नहर बना दे नहर बना के लाल सी के अंदर निकले हो लाल सी से हम लोग हिंद महासागर से निकलते हुए इधर आए तो हम लोग पश्चिम और पूर्व दोनों को जोड़ सकते हैं और ये जो बड़ा रास्ता है ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा ये कितना छोटा इसके मुकाबले और ये पूरे वर्ल्ड का है तो काफी ज्यादा बड़ा रास्ता हो रहा था तो फ्रांस ने ये सोचते हुए अठारह अठारह की बात है साम्राज्य से परमिशन ली कि हम लोग यहाँ पर एक नहर बनाना चाहते यहाँ पर चार लेक थे चार लेक चार लेक झीलें थी उन्हें झीलों का नाम था ग्रेट बीटर ग्रेट बीटर लेक ग्रेट बीटर झील लिटिल बीटर झील ठीक है ऐसे चार लेक थे यहाँ पर छोटे छोटे उन चारों झीलों को मिलाकर उन चारों तालाबों को मिलाकर एक नहर बनाने का प्लान जो है वो फ्रांस ने रखा इजिप्ट के सामने इजिप्ट के ओटोमान साम्राज्य ने इसके लिए हाँ भी कर दी कि चलिए साहब कर तो भारत, तो फ्रांस ने अठारह सो फ्रांस ने नाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुनाल बनाने की शुरुआत की थी फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो इंजीनियर थे फर्डिनेंड देप्सनेट लेसेप्स लेसेप्स जो थे वो क्या थे इसके इंजीनियर थे पूरा प्लानिंग करने वाले ये व्यक्ति हुआ करते थे इन्होंने नहर का पूरा प्लान बनाया कि इस तरीके से यहाँ से नहर बननी चाहिए ठीक है उसके बाद फ्रांस ने यहाँ पर नहर बनाना शुरू किया पर नहर बनाने से जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ठीक है जो आपका इंग्लैंड वगैरह है इंग्लैंड स्कॉटलैंड इन लोगों को इन लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गई क्योंकि इनका व्यापार जो है वो इस साइड से ज्यादा अच्छा चल रहा था तो इनको लग रहा था कि अगर सुयज केनाल बन जाएगी तो सुज केनाल के बनने के कारण बाकी देश भी आसानी से यहाँ पर आ हाँ पाएंगे और जो मेरा साम्राज्य भारत वगैरह में बना हुआ है उसके ऊपर खतरा मंड इसी कारण से यूनाइटेड किंगडम ने इस चीज का विद्रोह किया फ्रांस वगैरह किया फ्रांस ओटोमान एम्पायर का यहाँ पे कोई नहर नहीं बनेगी पर उसके बावजूद भी एटीन आते आते 1859 में शुरुआत हुई और 1869 आते आते भारत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुएज केनाल जो है वो बन गया था इस दौरान सुयज केनाल बन गया सुनाल बना दिया गया सुनाल शुरुआती दौर में इजिप्ट के हाथ में था इजिप्ट के हाथ में शुरुआती दौर में था इजिप्ट की सरकार के हाथ में था ओटोमान के हाथ में था साम्राज्य के हाथ में था पर ओटोमान साम्राज्य जो था मैंने आपको बताया वो काफी ज्यादा कमजोर हो रहा था दिन प्रतिदिन क्योंकि ओटोमान साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर हो रहा था तो ओटोमान एम्पायर ने अपने जो कैनाल है जो नहर है सुयज नहर जो है उस सुयज नहर को किसको दे दिया ब्रिटिश को दे दिया अपने जो स्टेग थे अपना जो स्टेक था वो ब्रिटिश को दे दिया लंडन को दे दिया अंग्रेजों को दे दिया अंग्रेजों को क्या मिल गया कुछ हिस्सा अंग्रेजों को मिल गया और क्योंकि फ्रांस ने बनाया था तो फ्रांस के पास पहले से हिस्सा था तो ये जो नहर है उसको बड़े टाइम तक फ्रांस और ब्रिटेन चलाते थे अब ब्रिटेन को लगने लगा कि भैया अभी तो मेरे हाथ में तो तो फायदेमंद है यहाँ पर से इतना व्यापार हुआ इतना व्यापार हुआ कि आप सोच नहीं सकते आज भी इजिप्ट का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो आधी से ज्यादा सुएज केनाल की के वजह से चलती है नहर की वजह से चलती है क्योंकि ये सारे देश करोड़ों का सामान एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है एक घंटे अगर बंद हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है था इतनी महत्वपूर्ण है ये पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो सुज केनाल की के वजह से आसान होता है अगर भारत से किसी अमेरिका को करना तो अमेरिका से घूम के नहीं जाएगा अमेरिका ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ठीक है मेक्सिको को करना है कनाडा को करना है ये सब इस रास्ते से ही आते हैं भारत इतनी बात समझ में आई क्या इतनी बात समझ में आई तो इस सुस कैनाल की मैंने बात की सुन कैनाल की मैंने बात की इस तरीके से आपको देखने को मिलती है सैटेलाइट व्यू है है ना तो कैनाल जो है उसकी परमिशन ली गई 1869 आते आप देखेंगे तो को 1875, के इजिप्ट ने क्या कर दिया था ब्रिटिश के नाम पे कर दिया था कैनाल को अब ब्रिटिश और फ्रांस मिलकर चलाते थे, थे फिर आप देखेंगे जब ओटमान साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट इजिप्ट के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट को लगा गामाल अब्दुल नासिर इन्हें नासिर कह के भी बोलते हैं नासिर नासिर कह के बोलते हैं जमाल अब्दुल नासिर इन्होंने 1956 के अंदर इस नहर को सरकारी घोषित कर दिया मतलब किसके अपने हाथ में सारी स्टेक जो है वो ले लिया साहब इतनी बात समझ में आई अब देखिए कि ब्रिटिश ब्रिटिश इसको इस नहर से इतना फायदा हो रहा था उससे इसकी पावर छीन ली गई नासिर द्वारा फ्रांस जिसको इतना फायदा हो रहा था उससे इसकी पावर छीन ली गई और सारी पावर किसने ले ली इजिप्ट की सरकार ने ली क्योंकि नेशनलाइज हो गया क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो गया था और राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो पावर किसके हाथ में आ जाती है सरकार के हाथ में जितना भी प्रॉफिट होगा वो कौन उठाएगा वो सरकार उठाएगी तो अब सरकार के पास सारा प्रॉफिट आने लगा सब ब्रिटिश को लगा कि नहीं ये तो दिक्कत हो जाएगी और इस चीज का फायदा जो है ब्रिटिश और फ्रांस जो है वो काफी ज्यादा इजिप्ट से नाराज थे और इजिप्ट से नाराज थे तो इस चीज का फायदा जो है इसराइल पर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा सीरिया के जस्ट पास में ऐसे छोटे मोटे देश दिख रहे हैं ना यहाँ पर ये वाला जो देश है जैस इजिप्ट के पास में आपको देखने को मिलेगा यही इसराइल है जिसकी कैपिटल जेरूसलम देखने को मिलेगी झेरूसलम इसकी राजधानी है आज के टाइम पहले अबाबीस थी तो ये लोग जो थे ये जो झेरूसलम ये जो इसराइल है इसराइल आपको देखने को मिलेगा कि यहूदी है और इजिप्ट लीबिया सऊदी अरेबिया इराक ईरान सीरिया ये सारे जितने भी ये सब मुस्लिम है इस्लाम है और ये कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर क्या रहे इसराइल रहे तो इसराइल के साथ में काफी बार आपको देखने को मिलेगा युद्ध वगैरह भी हुआ पर इसराइल ने सोचा कि यार यारे यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्नीस के दौरान इसराइल के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा था तो इसराइल ने सोचा कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हूं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसराइल ने क्या किया ये जो सिनाई पेनिनसुला इसे क्या कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला कहा गा 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 जाता है सिनाई इलाका कहा जाता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है जैसे भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ठीक ऐसा ही यहाँ पर ये जगह देखने को मिल रही है इसे सीनाई पेनिनसुला कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला पेनिनसुला का मतलब क्या होता है ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है जैसे ये वाला जो इलाका है वो भारत का क्या कहलाता है पेनिनसुला कहलाता है इस सिनाई पेनिनसुला से होते हुए इसराइल ने यहाँ पर अटैक किया और सुएस कैनाल को हथियाने की कोशिश की इस दौरान बात है कि फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए का सपोर्ट किया और यहाँ पर तीन महीने तक इसराइल जो है वो पकड़ के बैठ गया फिर युद्ध वगैरह भी हुए छह देशों ने युद्ध किए थे तब जिसके अंदर इसराइल वापस से जीत के आया था इसराइल काफी ज्यादा मजबूत देश है ये उसने काफी बार बताया है ठीक है छह देशों को छह दिन में हराया है आप 1967 का वॉर देखेंगे सिक्स डे दे वॉर जिसके दिन के ये अंदर आस पास के जितने भी इलाके के योद्धा है ना उन सबको अकेले और इस दौरान इजिप्ट को भी इसी ने हराया था इजिप्ट का सपोर्ट इस टाइम सीरिया और इराक कर रहे थे सीरिया और इराक के बाद में भी इजिप्ट को हराने वाला ये इसराइल था इसराइल ने इजिप्ट को हराया इसराइल ने जब इजिप्ट को हराया तो उसके बाद तीन महीने तक सीनाई जो है वो किसके हाथ में रहा साहब अठारह सत्तावन के अंदर आपको देखने को मिला ये मिलाइली के हाथ में रहा के हाथ में रहा जिसके अंदर सपोर्ट किसने किया था ब्रिटिश और फ्रेंच ने जिससे उसको भी हुआ हालांकि उन्नीस आते आते क्योंकि इजिप्ट और आपके इसराइल के बीच में इसराइल के बीच में आपको सुलह करानी थी तो इस सुलह के चलते इसराइल ने क्या किया उसने बोला कि ठीक है इजिप्ट तू रख ले सीना ही पहने और सुन केनाल जो है जो है वो किसको दे दिया गया वापस से इजिप्ट को दे दिया गया इसी चीज को सुएस क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है क्राइसिस नाम से भी जाना जाता है वापस से तीन महीने के अंदर इजिप्ट को दिया गया और फिर इजिप्ट ही उसके बाद से सुज नहर का सारा कामकाज जो है वो चलाती है आज भी। उसके बाद आप देखेंगे तो 1975 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला ये जो पश्चिमी एशिया पश्चिम एशिया वाला भाग है उसके अंदर कोई से बात नहीं करता था 1975 के बाद आप देखेंगे तो इजिप्ट पहला ऐसा देश बना जिसने क्या किया इसराइल से दोस्ती की उसके बाद बातचीत शुरू हुई उसके बाद आप देखेंगे कि बहरीन वगैरह भी कत्तर वगैरह बात करना शुरू कर रहा है अब अकॉर्ड के तहत इतनी बात समझ में आई 1967 सौ का जो युद्ध हुआ जिसके अंदर सिक्स डे वॉर कहते हैं 1967 से लेके 1975 के बीच में आपको देखने को मिलेगा योम की पूर्व वॉर के दौरान योम की पूर्व वॉर के दौरान इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन में थोड़ी तो सी शुरुआत हुई इसी दौरान से इजिप्ट और इसराइल के रिलेशन की शुरुआत हुई 1967 में जो वॉर हुआ उस दौरान आपको देखने को मिला कि सुयज कैनाल कुछ दिन के कुछ सालों के लिए बंद रहा था जिसके अंदर लाखों का सारे दुनिया के अंदर नुकसान हुआ पूरी दुनिया के अंदर नुकसान है तो वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट हम लोग सुएज केनाल के बारे में बात करें सुएज केनाल की के अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम की बात कुछ ऐसी है। टाइम की बात कुछ ऐसी है कि ये सुज केनाल को बनाने की शुरुआत 1858 के अंदर फ्रांस ने की थी फ्रांस ने क्या किया था इसको बनाने की शुरुआत की थी 1869 तक ये बन चुका था बन के तैयार हो गया था 1875 के अंदर आप देखोगे तो इसी स्वेज कैनाल की जो पावर है वो ब्रिटेन को भी दे दी गई तो ब्रिटेन और फ्रांस मिलके चलाते थे 1956 में आप देखोगे तो 1956 के अंदर क्या हुआ 1956 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि 1956 के अंदर नासेर नाम के राजा ने क्या किया राष्ट्रीयकरण कर दिया स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिसके कारण से यहाँ पर युद्ध हुआ युद्ध होने के बाद में सुन केनाल जो है वो लगभग तीन महीने तक इसराइल के पास इसी बीच में रही और फिर इसराइल के बाद देखोगे तो ये इसराइल के पास वापस इजिप्ट को दे दी गई उन्नीस सौ का यहाँ पर गल्फ वॉर गल्फ के अंदर युद्ध हुआ और उसी दौरान आपको देखने को मिला कि गल्फ के अंदर जो युद्ध हुआ जो ये पर्शियन इलाके में युद्ध हुआ उस पर्शियन इलाके में चल रहे युद्ध के कारण सात साल तक छः साल तक ये बंद रही सुयज कैनाल बंद रही इसके अंदर इजिप्ट का सपोर्ट जो है इजिप्ट का सपोर्ट जो है वो इसराइल ने किया और इसराइल और इजिप्ट के बीच में इसके बाद से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने की शुरुआत हुई और इसराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने वाला इस इलाके में इजिप्ट पहला राष्ट्र बना और उसके बाद से सुयज कैनाल इजिप्ट के हाथ में रही सुयज नहर क्या किसके हाथ में रही इजिप्ट के हाथ में रही अब यहाँ के मैं ट्रेड की बात करूँ तो उन्नीस शिप जो है वो सुज कैनाल में से 2020 में लगभग 1.2 बिलियन टन का 1.2 बिलियन टन का माल लेके यहां से गुजरी है जो आपके पूरे दुनिया का 13 प्रतिशत का समुद्री व्यापार पूरे समुद्री व्यापार का 13 प्रतिशत हिस्सा 1.2 बिलियन टन का माल यहां से गुजरा है अगर इजिप्ट के रीओपन होने में खुलने में थोड़ी भी देर होती है चैनल में थोड़ी भी देर होती है तो उसके कारण से तो आपको देखने को मिलेगा वस्तुएं जहाज कार्गो अर्थात माल कंपनियां इन सब पर असर पड़ेगा व्यवसाय को निर्यात पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा और इजिप्ट की जो इकोनॉमी इजिप्ट की अर्थव्यवस्था वो भी इसी चीज़ से चलती है तो इजिप्ट की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस पर अभी असर पड़ने की शुरुआत होगी अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन के अंदर ईरान और चाइना के बारे में शुरू के दो आर्टिकल तो ज्यादातर हिस्ट्री से ही रिलेटेड थे पूरा इतिहास ही बता रहा था साहब चलिए अब थोड़ा सा चाइना और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन हुआ है पच्चीस साल के लिए क्या है साहब ये तो ये चाइना है और एक ईरान है चाइना है और ईरान है अगर आप देखेंगे तो ईरान की अर्थव्यवस्था काफी ज़्यादा कमजोर है ईरान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है ईरान बहुत ज्यादा कमजोर बैठा हुआ है क्यों क्योंकि यूएस ने अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है और क्योंकि ईरान के ऊपर किसने अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं तो अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते आपका ईरान जो है वो बाहर की साइड ट्रेड नहीं कर पा रहा है व्यापार नहीं कर पा रहा है क्योंकि ईरान व्यापार नहीं कर पा रहा इसी कारण से ईरान देखने को मिलेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा नीचे गिरी हुई है है ना यही आप देखे हुए तो चाइना है साहब ठीक है चाइना भी क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है तो एरा... चाइना ने क्या कहा है चाइना ने कहा है कि हम लोग 400 बिलियन डॉलर 400 बिलियन डॉलर का निवेश अगले 25 साल के अंदर किसको करेंगे ईरान के अंदर करेंगे ईरान के अंदर 400 बिलियन डॉलर चाइना जो है वो किसको देने वाला है ईरान को देने वाला अगले कितने साल में अगले पच्चीस साल में इसके अंदर तो ईरान का फायदा बदले में चाइना का क्या फायदा होगा तो चाइना कह रहा है कि इसके बदले में हम लोग डिस्काउंट में डिस्काउंट में ईरान के अंदर अगर आप देखोगे तो तेल मिलता है ईरानियन तेल कहा जाता है उसे ईरानियन ऑयल कहा जाता है उसे ईरान के अंदर पैदा होने वाला तेल ईरानियन तेल कहलाता इस पूरे इलाके में आप देखोगे तो इस पूरे इलाके के अंदर आपको तेल मिलता इस पूरे इलाके के अंदर आपको तेल मिलता है जहां पर आपको देखने को मिला है कि ईरान के अंदर भी तेल मिल रहा है और क्योंकि ईरान के अंदर तेल मिल रहा है तो चाइना ने कहा है कि बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं 400 बिलियन डॉलर दे रहे हैं यहाँ पर निवेश कर रहे हैं उसके बदले में हम लोग क्या चाहते हैं कि ईरान जो है वो हमको डिस्काउंट प्राइस में अपना तेल दे क्योंकि चाइना को चाइना की इकोनॉमी चाइना की अर्थव्यवस्था ज्यादातर आई चलती है मैन्युफैक्चरिंग पर चाइना की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पे चलती है मतलब नए नए सामान बनाने से चलती है तो चाइना की अर्थव्यवस्था अगर नए नए सामान बनाने से चलती है तो आपको देखने को मिलेगा कि चाइना को तेल की आवश्यकता लगेगी अगर मशीन चलाना है तो वहां पे डीजल भी चाहिए होता है पेट्रोल भी चाहिए होता है सी चाहिए होती है कई बार मशीनें चलाने के लिए मशीन के लिए भी तो आपको एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कहाँ से आएगी सर वो एनर्जी यहाँ से आएगी इसी कारण से चाइना को काफी ज्यादा तेल लगता है इसी कारण से वो ईरान को कहता है कि ईरान

अमेरिका का एक और दुश्मन है साहब ईरान ईरान एक और दुश्मन है अगर आप देखोगे तो ईरान के साथ क्या हुआ ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था क्यों बना रहा था क्योंकि उसके यहाँ पर दो दुश्मन है ये पूरा इलाके के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ईरान है जो की क्या है शिया इस्लाम है यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो सुन्नी इस्लाम है और यहाँ पर इसराइल है जो क्या है यहूदी है यहूदी यानी जी जिसे इंग्लिश में कहते हो आप लोग ये तीन अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहूदियों के के पास, जीवस के पास, क्या है? है। अरेबिया के पास अपने आप में पावरफुल है ईरान के पास कुछ नहीं है तो ईरान ने सोचा कि मैं क्या करूंगा न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा तो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की शुरुआत करता है मोहसिन फकरीजादे द्वारा यहाँ पर पूरा न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम चलता है अमेरिका बाकी के पांच कंट्रियों के साथ मिलके यहाँ पर ईरान के ऊपर क्या लगा देता है प्रतिबंध लगा देता है प्रतिबंध लगने के कारण क्या होता है सर प्रतिबंध लगना मतलब क्या कि आप डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते आप डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते मतलब क्या कि आप इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड कैसे होता देखो ईरान को अगर भारत से ट्रेड करना भारत से व्यापार करना तो वो क्या करेगा भारत से सामान मंगाएगा बदले में क्या करेगा भारत को डॉलर दे देगा पर अब जब डॉलर का प्रयोग बंद हो गया तो अब ईरान अगर क्योंकि डॉलर एक ऐसी चीज है जिसको सारी कंट्रियों को जरूरत पड़ती है और सारी कंट्री ले ही लेती है पर अगर ईरान को भारत के साथ व्यापार करना है जब वो डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकता तो उसे क्या करना होगा भारत को रुपए में पेमेंट करना होगा अब जब वो भारत को रुपए में पेमेंट कर रहा है भारत से सामान मंगाता जा रहा है मंगाता जा रहा है तो भारत को रुपये में पेमेंट कर रहा है ना बदले में भारत जो है उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहा दे रहा है जैसे राइस वगैरह चावल वगैरह ये भारत दे रहा है बदले में अब आप देखिए कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ईरान के पास रुपए खत्म हो जाएंगे क्योंकि ईरान के पास रुपया कैसे आएगा जब वो बाहर पैसा भेजेगा जब वो भारत से भारत को कुछ तेल वेल बेचेगा ईरान अगर भारत को तेल बेचेगा तो ईरान को तेल बेचने पे भारत रुपए में पेमेंट करेगा भारत रुपए में पेमेंट करेगा तो उसी रुपए को क्या करेगा भारत को देके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेगा भारत से बात समझ में आ रही है तब गिव एंड एक समय तो ऐसा आएगा ना कि भारत जो है वो तेल कम मंगा रहा है और ईरान ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा मंगा लिए मतलब उसे रुपया ज्यादा लग रहा है रुपया ज्यादा लग रहा है रुपया ज्यादा लग रहा है और उसके पास क्या कम है उसको रुपया रू ज्यादा लग रहा है किसके मुकाबले उसके पास जो आ रहा है उसके मुकाबले रुपया कहाँ से आ रहा था क्योंकि ईरान भारत तेल ले रहा था इंडिया उससे तेल ले रहा था तो इंडिया के तेल लेने के कारण उसका जो रुपया है वो बढ़ रहा था पर इंडिया ने जो तेल लिया वो कम लिया तेल के कम लेने के कारण तेल के कम लेने के कारण उसके पास रुपया खत्म हो गया रुपया अगर खत्म हो गया तो वो भारत से ट्रेड करे तो करे कैसे ऐसे में वो देश वो कंपनियां जो ईरान में थी जो भारत से व्यापार कर रही थी वो सब बंद हो जाएगी और ऐसे केस में अगर कंपनियां बंद होगी तो ईरान की जीडीपी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी चलो भारत के साथ तो रुपया था अब ऐसे भी देश है जिसके साथ व्यापार जो है उसके अंदर ईरान केवल केवल इंपोर्ट करता है बाहर देता ही नहीं एक्सपोर्ट करता ही नहीं ऐसे काफी देश होंगे ठीक है जब वहां से केवल इम्पोर्ट करता है तो बदले में पेमेंट किस करेंसी में करेगा क्योंकि उसके पास उस देश की करेंसी कब आएगी क्योंकि पेमेंट अब वो किस करेंसी में डॉलर में तो नहीं कर सकता तो अब उस देश की करेंसी में करेगा अगर उस देश की करेंसी में वो करना चाहेगा तो वो कब कर पाएगा जब वो वहां पर कुछ एक्सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करके वहां से पैसा लाएगा उसी पैसे से उनकी करेंसी से उन्ही का सामान खरीदेगा ऐसे सारा खेल चलेगा तब जाके ईरान आगे बढ़ पाएगा पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर भारत के साथ व्यापार बंद हुआ तो आपको कई सारी कंपनियां ठप हो गई जिसके कारण से वो कंपनियां जो कि दूसरे देशों से भी व्यापार कर रही थी वो भी उनके ऊपर भी असर देखने को मिला वहां पर भी निर्यात कमजोर हुआ जिसके कारण से ईरान जो है वो कमजोर होता चला गया उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई क्यों क्योंकि यूएस का सेंक्शन लगाता यूएस का प्रतिबंध लगाता और इस तरीके से प्रतिबंध काम करता फिर क्या हुआ फिर ये हुआ कि ईरान ने बोला ठीक है मैं क्या करूंगा मैं न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद कर दूंगा बदले में अमेरिका और पांच कंट्रिया और कौन सी थी जर्मनी जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और चाइना मिलकर जेसी पोवा किया जॉइंट कम्प्रसिव प्लान ऑफ एक्शन 2016 के अंदर यह एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट एक तरफ से ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाएगा बदले में ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा है वो बंद करेगा पहली बार आप देखेंगे तो यहाँ पर पी फाइव कंट्री जो परमानेंट मेंबर है ना यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से साहब फ्रांस है यूनाइटेड स्टेट है यूके है रशिया है चाइना है ये क्या है परमानेंट मेंबर है साथ में जर्मनी जो है वो एक और मेंबर है तो इसको क्या कहा जाता है पी फाइव प्लस वन भी कहा जाता है पी फाइव प्लस वन ट्रीटी भी कहा जाता ठीक है पी फाइव प्लस वन की संधि भी कहा जाता है तो इसके तहत आपको देखने को मिला कि ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया गया फिर ईरान वापस से दुनिया में व्यापार करने लगा फिर उसके बाद एक गजब का आदमी अमेरिका में प्रेसिडेंट बना नाम था डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम का कहना था कि यार ये जो ईरान है उसके ऊपर से उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ जेसी पोहा के अंदर हम लोगों को थोड़ा और ईरान के ऊपर कुछ रखना चाहिए उसके ऊपर और थोड़ा हाथ मारना चाहिए उसे थोड़ा और कमजोर करना चाहिए तो इसने क्या किया ईरान के ऊपर ईरान के ऊपर प्रतिबंध और बढ़ा दिए ईरान के ऊपर जैसे ही प्रतिबंध वापस से लगे तो जेसी पोहा टूटा जेसी पोआ का जो संधि थी जेसी पोआ की जो संधि थी वो टूट गई और जैसे ही ठीक है जैसे ही ये जेसी पोआ टूटा जैसे ही ये जेसी पोहा टूटा तो आपको देखने को मिला कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस से नीचे जाने लगी दुनिया से ट्रेड जो है वो खत्म होने लगा वापस से ईरान जो है वो एकदम दिक्कत में आ गया सा उसी दौरान आपको देखने को मिला कि इसराइल ने ईरान के अंदर मोहसिन फकरीजादे की हत्या कर दी उसी दौरान आपको देखने को मिला कि अमेरिका ने ईरान के अंदर घुस के वहां के सुलेमान की हत्या कर दी है ना तो ईरान जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया अब आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे किसके वजह से अमेरिका के वजह से तो ईरान का दुश्मन कौन हो गया अमेरिका हो गया अगर ईरान का दुश्मन अमेरिका हो गया तो अमेरिका का जो दुश्मन है वो चाइना भी तो है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए साहब तो ये दोनों दोस्त बन गए और अभी आपको यही चीज देखने को मिल रही है दोनों के बीच में दोस्ती इसी कारण से हुई है आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका जो है वो काफी टाइम से सऊदी अरेबिया इसराइल को सपोर्ट करता था क्योंकि इसके इस इलाके में से अमेरिका को तेल मिलता था फिर अमेरिका को अपने इलाके में तेल मिलने लगा जिसे आप शेल ऑयल कहते हो शेल ऑयल कहते हो तो ये तेल अमेरिका को अपने ही इलाके में जब मिलने लगा तो अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपना हाथ यहाँ से कमजोर करना शुरू कर दिया अपने आपको यहाँ से ये यह जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ये पश्चिमी एशिया वाला जो भाग है पश्चिमी एशिया से अपने हाथ निकालना शुरू कर दिया जैसे ही पश्चिमी एशिया से अमेरिका ने निकलना शुरू किया तो चाइना ने सोचा कि यही अच्छा मौका है तो चाइना ने अपना यहाँ पर इंडल्ज करना बढ़ा दिया इंडस्ट करना बढ़ा दिया क्योंकि ईरान के साथ अभी दोस्ती की है क्लियरली चाइना जो है ये पश्चिमी एशिया वाले के अंदर क्या होगा ज्यादा पावरफुल उभर के आएगा कारण कारण क्या है? कारण ये क्या है 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 कि इन इन लोगों लोगों को को भी भी चाइना और भारत जैसे देशों की जरूरत क्योंकि मैंने बताया कि ये कौन से इलाके यमन है यमन है ओमान है ईरान सऊदी अरेबिया लड़ रहे हैं यमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आतंकवाद फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा कि ये सूडान है 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 इथोपिया है, सोमालिया है। ये जो इलाके यहां पर काफी ज्यादा पायरेट्स देखने को मिलते हैं जो पायरेट्स क्या करते हैं क्योंकि सुयज केनाल मेरे को थोड़ी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से तेल का व्यापार जितना भी व्यापार है वो यहाँ से होता है सऊदी अरेबिया से जितना भी तेल होगा वो यहां से जाएगा इस तेल के शिप को शिप के ऊपर क्या करते है रॉबरी करने का काम करते हैं उसके ऊपर पायरेसी एक्टिविटी करने का काम करते हैं उसको हड़पने का काम करते का हैं वहां से तेल चुराने का काम करते हैं तो सऊदी अरेबिया को एक तरफ से यहाँ से प्रोटेक्शन चाहिए इन पायरेट से प्रोटेक्शन चाहिए जो पायरेट देखने को मिलते हैं समुद्री लोग समुद्री लुटेरे जो देखने को मिलते हैं इन समुद्री लुटेरों से प्रोटेक्शन चाहिए दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि सऊदी अरेबिया क्योंकि अमेरिका यहाँ से अपना आर्मी को कम कर रहा अपना इंडेल जो जो कर रहा था जो अपना इंटरफेयर कर रहा था उसको कम कर रहा तो ईरान से दिक्कत जो दुश्मनी जो है वो बढ़ सकती है ईरान से दिक्कत ईरान जो है वो बड़ा दिक्कत का कारण बन सकता है क्योंकि ईरान को चाइना सपोर्ट कर रहा है इसी कारण से सऊदी अरेबिया जैसे देश जो है वो लगातार ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं इनका कहना है कि भारत चाइना जैसे लोग जो हैं वो हम लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं वो हम लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं भारत भी आप देखोगे तो भारत भी यहाँ पर नेट नेट प्रोटेक्टोरेट के रूप में आता है डिफेंस प्रोटेक्शन के रूप में आता है हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग सऊदी अरेबिया वगैरह को प्रोटेक्शन देंगे हम लोग भी इस इलाके के अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं बदले में चाइना भी करना चाहता है तो भारत के लिए जो सऊदी अरेबिया वाले इलाकों में ये जो पश्चिमी राज्य है पश्चिमी देश है उसके अंदर जो भारत अपना जो बना रहा है वर्चस्व बना रहा है उसको खतरा हो सकता है क्योंकि चाइना भी अपना वर्चस्व धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ईरान ने ट्रेड कर लिया ईरान से ट्रेड कर लिया इतनी बात समझ में आई क्या प्रतिबंध का मतलब क्या होता है प्रतिबंध का मतलब देखो अमेरिका के पास डॉलर है अमेरिका के पास क्या डॉलर है अमेरिका का डॉलर जो है पूरी दुनिया में प्रयोग होता है सारे ट्रेड के लिए सारे व्यापार के लिए प्रयोग होता है अमेरिका किसी देश को कहे कि तुम अगर मेरे डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते तो उसके ऊपर क्या लग गया था प्रतिबंध लग गया डॉलर को प्रयोग करने से प्रतिबंध करना मतलब रोक देना बैन कर देना बात समझ में आ रही है तो 25 साल का स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन हुआ है इस 40 बिलियन डॉलर को कहां कहां प्रयोग किया जाएगा तो इस पर बिलियन डॉलर को वहां की राजनीति रणनीति और आर्थिक घट घाटों को पूरा करने में ठीक करने में किया जाएगा वहां के ढांचे को तैयार करने में किया जाएगा ईरान के अंदर जो ढांचे हैं उनको तैयार करने में इस 40 बिलियन डॉलर को लगाया जाएगा जहां पे वहां पे बंदरगाह बनाए जाएंगे वहां पे ऊर्जा बनाई जाएगी वहां पे उद्योग बनाए जाएंगे और सेना के क्षेत्र में सेना को मजबूत किया जाएगा ये क्यों हुआ है तो आपको देखने को मिला कि चाइना ने ईरान के साथ में ये एग्रीमेंट क्यों किया क्योंकि यूएस जो है वो सिंगल प्लान ऑफ एक्शन से अलग हो गया जिसके कारण से ईरान को काफी ज्यादा तकलीफ आई संयुक्त तो व्यापक कार्य योजना जैसी को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त तो व्यापक कार्य योजना से जब आ, अमेरिका हटा जिसके कारण से ईरान को काफी ज्यादा तकलीफ आई तो उसके अंदर चाइना जो है उसका दोस्त बन के आ गया ये दोनों देश की सहमति एक रीजनल सिक्योरिटी उस इलाके के अंदर सुरक्षा के लिए देशों की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि चाइना का वेस्ट एशिया का पुष पश्चिमी एशियाई के अंदर जो वो कोशिश कर रहा है चाइना आप देखोगे तो चाइना वहां पर कहता है छह नेशन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे छह राष्ट्र आपको देखने को मिलेंगे जैसे सऊदी अरेबिया टर्की है ईरान है यूएई बहरीन ओमान इन सब के अंदर आपस में लड़ाई चलती रहती है सऊदी अरेबिया ईरान से लड़ता है ईरान से यू भी लड़ता है यू का बहुत बड़ा दुश्मन है बहरीन और यूए दोस्त है हालांकि पर ईरान से लड़ने पहुंच जाते हैं तो इनके बीच में शांति कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है मिडिल ईस्ट खुद चाहता है पश्चिम एशिया जो है वो खुद चाहता है कि यहाँ पर शांति रहे और यहाँ पर शांति कराने के लिए पांच पॉइंट के इनिशिएटिव जो है वो चाइना ने दिए थे पांच पॉइंट की पांच पॉइंट दिए थे कि अगर इन चीजों को का पालन किया जाए तो सब लोगों का भला होगा इस इलाके में जिसका जिसके अंदर है समानता धर्म कोई भी हो सब समान हो ऐसा ना हो कि तुम्हारा धर्म खराब है मेरा धर्म अच्छा है ऐसी चीज होती है इसी कारण से वहां पर लड़ाई देखने को मिल रही है और सुन्नी के बीच में तो समानता का भाव होना चाहिए उन्होंने कहा कि न्याय को कायम रखना ये दूसरा पॉइंट है न्याय कायम रहना चाहिए अगर ईरान के साथ गलत हुआ है तो इसराइल को उस चीज की पनिशमेंट मिले सामूहिक सुरक्षा सब लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए पश्चिम एशिया क्षेत्र के अंदर पूरे आ, विकास के लिए पांच सारे देश मिलकर आपस में सहयोग करें अगर ये पांच पॉइंट पूरे होते हैं अगर ये पांच पॉइंट पूरे होते हैं तो यहाँ पर शांति बनी रहेगी ऐसा चाइना का कहना है और चाइना कोशिश कर रहा है कि उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अगर आपको पता होगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर अगर आप देखोगे तो चाइना क्या करता है चाइना करता है पूरे समुद्र को जोड़ने की कोशिश और जमीन को जोड़ने की कोशिश अगर मैं उसको ठीक से बताऊं तो चाइना कहता है कि मैं समुद्र और जमीन को जोड़ूंगा चाइना ने यहाँ पर ऐसे ये इस तरीके से क्या बनाया है पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया नेपाल से भी इस कॉरिडोर को जोड़ रहा है इसके बाद वो चाह रहा है कि वो ईरान के अंदर भी एक कॉरिडोर बना फिर उसके बाद वो चाह रहा है कि यहाँ पर ओमान वगैरह के अंदर यहाँ पे पानी से होते हुए जाए जिबूती के अंदर यहाँ पे आपको जिबूती देखने को मिलेगा उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर मालदीव से जुड़ा हुआ श्रीलंका से जुड़ा हुआ है यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है म्यांमार के अंदर आपको मिलिट्री देखने को मिलेगी अब आप इसको ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा कहीं ना कहीं चारों तरफ से भारत को घेरा जा रहा वन बेल्ट एक बेल्ट मतलब क्या कि एक समुद्र के अंदर सबको जोड़ना है सारे देशों को जोड़ना है वन रोड मतलब पूरा पानी के अंदर आपको एक साथ जोड़ना है पानी के अंदर जोड़ना है वन बेल्ट मतलब रोड के अंदर जोड़ना है और इस चीज को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है उसके अंदर का आप गौर से देखोगे तो भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा अगर उसको उसने क्या किया पाकिस्तान के अंदर तो सक्सेसफुली कर लिया है जिबूती के अंदर अपना काम कर चुका है श्रीलंका के अंदर अपना काम कर चुका है हम टोटा के अंदर वो आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर अपना मिलिट्री बैठा चुका है वो है ना सोमालिया के अंदर अपना मिलिट्री बैठा चुका है मालदीव के अंदर पर ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर नहीं बैठाया था वो भारत ने यहाँ पर ईरान के अंदर एक चबाहर पोर्ट बनाया हुआ चबाहर बंदरगाह बनाया हुआ ये बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान का एक ग्वादर बंदरगाह जो चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर बनाया है उसको टैकल करने के लिए भारत ने बनाया था अब उसको टैकल करने के लिए अगर चाइना ईरान के अंदर आएगा तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ने का की शुरुआत हो सकती है ऑनली इकोनॉमी चाइना एकमात्र ऐसी इकोनॉमी है जो की काफी ज्यादा ग्रो कर रही है काफी ज्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम पे पॉजिटिव वे में जा रही है हम लोग सब लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था नीचे जाए पर उसके बावजूद भी उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है वो घोषी वगैरह बनाता है वो एक अलग परस्पेक्टिव उसमें जाऊंगा तो काफी टाइम चला जाएगा आप इंटरनेशनल रिलेशन में उन चीज़ों को पढ़ोगे जब चाइना का रिलेशन पढ़ोगे तो उस दौरान आप पढ़ोगे इन चीजों को ठीक है इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई तो आगे की बात बताऊ अब कुछ छोटी मोटी न्यूज है एडिटोरियल सेक्शन में आपको वही एडिटोरियल देखने को मिले जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो उन एडिटोरियल को सेम चीजें हैं ठीक है, है न्यूज के अंदर उन सारी चीजों को मैं कवर करा चुका था अफगानिस्तान के बारे में आया है ठीक है तो वो एडिटोरियल मैंने नहीं डाले हैं है ना लिटिल मैटर यू शुड नो के बारे में हम लोग बात करते हैं कि लिटिल मैटर क्या आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा में कुछ कुछ चीज़ें आपकी आ सकती हैं इनको आप आंसर को सब्सटेंशिएट करने में आपको प्रयोग कर सकते हो तो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जहाँ पर अलग अलग देश से अलग अलग देश से अपनी आर्मी जो है भारत अमेरिका चाइना जमाने भर के देश जो है वो अपनी आर्मी संयुक्त राष्ट्र को देते हैं ये संयुक्त राष्ट्र की जो आर्मी है इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय से, सेना क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का काम क्या है पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना लोगों के बीच में लड़ाई ना हो यही संयुक्त राष्ट्र का काम है और संयुक्त राष्ट्र का काम इस काम इस को अंजाम देने के लिए एक सेना भी तो होनी चाहिए उसके साथ में तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स है उस पीस कीपिंग फोर्स को भारत ने क्या किया है अपना सीर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप अस्त्रा देने का वाला कोविड शील्ड कोविड शील्ड वैक्सीन के लगभग दो लाख डोज जो हैं वो भारत ने कहा भेजे हैं इन पीस कीपिंग फोर्स के लिए भेजे इन शांति सेना के लिए भेजे ये करने के बाद भारत जो है वो एक ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने खुद के नागरिकों को कम टीका लगाते हुए बाहर के देश के नागरिकों को भी टीका लगाया हम लोगों ने अगर मैं टीके की बात करूं तो हम लोगों ने जो बाहर टीके भेजे हैं वो लगभग बासठ मिलियन है पांसठ मिलियन खुराक हम लोगों ने भेजी है बाहर और भारत के अंदर भारत के नागरिकों को पचपन मिलियन खुराक लग पाई है अभी तक तो भारत एक ऐसा देश बना है जो क्या कर रहा है अपना ही नहीं इस कोरोना में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है अब आप बोलोगे कि पीस की इतना ज्यादा अगर हम भेज दिए तो पीस कीपिंग फोर्स में भेजने की क्या जरूरत थी इससे इनडायरेक्टली भारत को ही फायदा होगा क्योंकि भारत के लोग भी भारत के नागरिक भी भारतीय सैनिक भी आपको इस यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर से अधिक पुरुष और महिलाएं जो हैं वो कांगो के अंदर दक्षिण सूडान के अंदर कांगो के अंदर दक्षिण सूडान के अंदर लेबनान के अंदर लगे हुए हैं तो इन लोगों की रक्षा करना इन लोगों को भी कोविड वैक्सीन पहुंचाना ये भारत की जिम्मेदारी है इस कारण से भारत ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर दो लाख डोज भेजे इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आपकी के वी सुब्रमण्यम ठीक है, है। देखिए अगर अभी का आप बजट बजट का एनालिसिस अगर देख लिया होगा तो आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे जितने भी प्राइवेट चीजें हैं उनका क्या करेंगे विनिवेश करेंगे सॉरी जितनी भी सरकारी कंपनियां सरकारी कंपनियां जो बिना काम की सरकारी कंपनियां उन बिना काम की सरकारी कंपनियों का विनिवेश करेंगे विनिवेश मतलब इंग्लिश में कहूं तो डिस इनवेस्टमेंट इसका मतलब क्या होता है का मतलब क्या होता है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो ना इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई एक कंपनी है उस कंपनी में अगर मैंने पैसा डाला तो उस कंपनी में मैंने पैसा डाला मान लो सरकार ने पैसा डाला ठीक है एक कंपनी गेल है गेल जो है वो किसकी है सरकार की सरकार के पास पचास प्रतिशत से ज्यादा स्टेक है

सरकार के जो शेयर है वो पिछहत्तर प्रतिशत किसी कंपनी में उसे बेच के वो इक्यावन प्रतिशत तक ले जाए तो उस केस में भी वो कंपनी सरकारी बनी रहेगी पर क्योंकि स्टॉक बेचा है तो वो विनिवेश कहा जाए कहलाया जाएगा तो विनिवेश का मतलब क्या है स्टॉक को बेचना पर अगर मैं स्टॉक को बेचते बेचते में विनिवेश करते करते इतना विनिवेश कर दू के मेरा जो शेयर है वो पचास से कम हो जाए तो उसी चीज को निजीकरण नी, कहा जाता है तो निजीकरण कब होता है जब विनिवेश का काफी ज्यादा बढ़ा के मैं क्या करूं सरकारी जो चीजें हैं सरकारी जो कंपनियां है उसके अंदर जो सरकार का स्टॉक है वो पचास प्रतिशत से कम ले जाऊ तो वो क्या हो जाएगा निजीकरण हो जाएगा है ना इसी निजीकरण के लिए ये विनिवेश के लिए हम लोगों ने बोला था कि अगर सरकार क्या करेगी विनिवेश करेगी मतलब क्या जैसे गेल के स्टॉक को क्या किया बेचा तो गेल के स्टॉक को बेचा

जो सरकारी कंपनी है उनका क्या करेंगे विनिवेश करेंगे विनिवेश करके हम लोग क्या कहेंगे हम लोग बोलेंगे कि ये जो विनिवेश किया उससे हम लोग रुपए जो है वो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे इससे फाइव 1, 1 लाख करोड़ जो है वो बन सकते हैं एल का भी निजी एल को के भी स्टॉक को बेचा जाएगा और कई सारी कंपनियां हैं ऐसी जिनके स्टॉक को बेचा जाएगा क्यों किया जा रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा ताकि सरकार के पास पैसा ये तो पहला रीजन है दूसरा कि अभी मोदी गवर्नमेंट है मोदी का कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि यार ये जो सरकार है सरकार का, का, का काम बिजनेस करना नहीं सरकार का, का काम बिजनेस को सहूलियत देना अगर हम अपनी खुद की कंपनी बनाते इसका मतलब सरकार जो है बिजनेस कर रही है और उन्होंने कहा है कि डूइंग बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट व्यापार करना सरकार का व्यापार नहीं है सरकार का व्यापार है व्यापार को सहूलियत देना ठीक है इसी कारण से हम लोग विनिवेश कर रहे हैं विनिवेश करके हम लोग क्या कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं निजीकरण भी होगा कई सारी चीजों का कुछ चीजें चीज न्यूक्लियर वेपन है हॉस्पिटल है एजुकेशन है मतलब आपका शिक्षा है स्वास्थ्य इन चीजों को का विनिवेश नहीं किया जाएगा बाकी की चीज का विनिवेश किया जाएगा और हमारा टारगेट वन लाख करोड़ वो कंपनियां जो काफी ज्यादा कमजोर है जिनके पास पैसा नहीं है उन सारी कंपनियों का निवेश किया जाएगा अभी तक ये डाउट आ रहा था हम लोगों ने टारगेट बनाया था कि इस साल में हम लोग 1.75 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से बनाएंगे पर आप देखिए कि अभी कोरोना आया कोरोना आने के बाद में ऐसी कंपनियां जो कि सरकारी हैं सरकारी कंपनियां अक्सर नुकसान में है क्योंकि वो नुकसान में है इसी कारण सरकार उसको बेच रही है और लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं अब मान लो लोगों के पास एक तरफ पैसा नहीं दूसरी तरफ मार्केट में उस चीज का स्टॉक आया उस चीज का शेयर आया कि यार इस कंपनी जो नुकसान में उसके शेयर खरीद लो तो कोई मुर्खी खरीदेगा कोई मूर्खी खरीदेगा इस कारण से ऐसा लग रहा था कि ये जो 1.75 लाख करोड़ है उस चीज को वो अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है पर आपको देखने को मिला कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि आसानी से टारगेट पूरा हो जाएगा क्योंकि एल के जब शेयर बेचने निकले तो लगभग वन लाख करोड़ तक का पैसा जो है वो आ सकता है इसके अलावा आप देखेंगे तो जुडिशरी आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जुडिशरी के बारे में मैंने पूरा एडिटोरियल भी पढ़ाया था कि जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ देश आगे आगे बढ़ बढ़ रहा है दुनिया आगे बढ़ रही पर न्यायपालिका आगे नहीं बढ़ी न्यायपालिका वहीं वहीं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आज भी आप जाओगे तो जमाने भर के आपको पेपर भरने पड़ेंगे वही एडवोकेट करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा वहां नहीं हुआ तो आप उच्च न्यायालय में जाएंगे वहां नहीं हुआ तो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे पर अगर मैं उच्च न्यायालय में जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो मैं उच्च न्यायालय में जाऊंगा मेरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो चलो मैंने बोला कि ठीक है उच्च न्यायालय में चलते हैं मैं उच्च न्यायालय की तरफ आगे बढ़ा मैं बोला कि चलिए उच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा अब उच्च न्यायालय मेरे घर से काफी दूर है मैं उज्जैन में रहता हूँ उच्च न्यायालय जबलपुर में मतलब लगभग बारह घंटे का रास्ता बारह घंटे का रास्ता अगर मैं ट्रेवल करके वहां जाता हूँ और एक दिन में तो न्याय मिलने से रहा मेरे को सालों साल वहां पर रहना पड़ेगा आना जाना करना पड़ेगा मेरे को क्या मेरा जो एडवोकेट मेरा जो लॉयर था मेरा जो वकील था जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे साथ में था जिसने मेरा केस लड़ा था मैं उसको भी लेके जाऊंगा क्योंकि सारे पेपर तो उसी के पास है सारा लेखा जोगा तो उसी के पास है तो उसका खर्चा भी वहां उठाऊंगा अब इतना पैसा होगा तो मैं बोलूंगा यार इससे अच्छा तो न्याय लेते ही नहीं है ना कौन पड़े झंझट में ऐसे में आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कई सारे ऐसे लूपोल देखने को मिलेंगे जिससे न्याय जो है वो लोगों को नहीं मिलता हम कहते हैं कि लोगों को बराबर रूप से हम लोग न्याय देंगे इकोनॉमिक जस्टिस देंगे न्याय जो है वो हम लोगों ने हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखाया था पर न्याय क्या है न्याय तो अमीरों का हो गया गरीबों का कहा रह गया था गरीब कैसे न्याय ले पैसा ही नहीं है और न्यायपालिका इतने पैसे की हो गई है कि क्या बताए वहां पर एक लॉयर करने के इतने पैसे तो न्यायपालिका के अंदर आपको देखने को मिले है, काफी ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता कुछ टाइम पहले एक और कहानी थी कि यार एक विष्णु विष्णु तिवारी करके एक व्यक्ति था ठीक है अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ठीक है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टोर्ट में उसको उसके ऊपर केस लगा था कि उसने बच्ची के साथ में जबरदस्ती जाति करने की कोशिश की और डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट के अंदर उसको क्या किया गया उम्र कैद की सजा सुनाई गई उसे लगा कि नहीं मैं तो गलत नहीं हूं तो वो किसके पास पहुंचा हाईकोर्ट के पास पहुंचा जब वो हाईकोर्ट के पास उच्च न्यायालय के पास पहुंचा तो यहाँ पर उसका एक एडवोकेट था उसका एक क्या था लॉयर था उस लॉयर ने हाई कोर्ट के अंदर जो पेपर फाइल किए वो पेपर जो थे वो अपडेटेड नहीं थे वो खराब पेपर थे वो गलत पेपर उसने फिल कर दिए जिसके कारण से इसको जमानत वगैरह नहीं मिली उच्च न्यायालय में इसका केस रजिस्टर ही नहीं हुआ विष्णु तिवारी का और विष्णु तिवारी लगभग 20 साल से जेल में और जनरली क्या होता है अगर आपको उम्र कैद मिली तो 14 साल के बाद अगर आप ठीक हो तो आपको क्या कर दिया जाता है रिहा कर दिया जाता है अगर वो क्रिमिनल था भी तो उसकी जो क्रिमिनल के बाद में जो उसकी अवधि थी वो उसके एक साथ साल हो क्यों? क्योंकि सरकार के पास उस चीज का डाटा ही नहीं था अब मतलब जुडिशरी इस तरीके से पेपर पे डिपेंडेंट इसी कारण से एनवी रमन एक जस्टिस और एक न्यायाधीश खुद कहती हैं कि हम लोगों को एक अलग से कॉपरेशन बनाना चाहिए हम लोगों को एक अवसर अवसंरचना निगम बनाना चाहिए जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम इसका काम क्या होगा इसका काम होगा जुडिशरी के अंदर न्यायपालिका के अंदर नई चीजों को नई इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना इतनी बात समझ में आई क्या कमऑन ये केस समझ में आया क्या हो रहा है तो जो न्यायपालिका है आपको देखने को मिलेगा कि इस न्यायपालिका के अंदर आपको काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता दुनिया, दुनिया इंटरनेट पे चल रही है पर न्यायपालिका इंटरनेट पे नहीं आ पा रही न्यायपालिका जो है वो इंटरनेट के इस दौर के अंदर नहीं आ पा रही कारण क्या कारण यह कि न्यायपालिका नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रही जिसके कारण से लोगों को तकलीफ आ रही है लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा अगर लोगों को न्याय देना है तो न्यायपालिका को अपने आप में इंप्रूवमेंट करना होगा अपने आप में सुधार करना होगा और उसी चीज के लिए एन वी रमना ने कहा है कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम की को बनाया जाए ताकि क्या हो सके ताकि यहाँ पर न्यायपालिका के अंदर भी अवसंरचना जो है वो की जा सके इतनी बात समझ में आई इसके अलावा कुछ प्रीलिम्स आपको देखने को मिलेंगे अच्छा ये पता है क्या ये किसी भी व्यक्ति का किसी भी जानवर का किसी का भी नाम अगर दिया जाता है साइंटिफिक तो आपको देखने को मिलता है, कि दो में नाम दिया जाता है। जैसे इंसान को क्या कहा जाता है साइंस में होमो सेपियन होमो क्या होता है सेपियन क्या होता ठीक है तो होमो जो है ये आपके जीन्स का नाम है मतलब होमो वाले आपको और भी काफी सारे देखने को मिल जाएंगे काफी सारे और भी देखने को मिलेंगे होमो एक जीन्स है जैसे मैं कहूं लेपर्ड जैसे मैं कहूँ लेपर्ड, ठीक तो है तो लेपर्ड, शेर टाइगर ये सब एक जैसे दिखते हैं ये सब एक फैमिली के हिस्से ये सब एक ही परिवार के हिस्से तो जो पहला नाम है ये क्या ये एक जीन्स का नाम है दूसरा जो नाम आता है वो क्या आता है स्पीशी का नाम आता है ये क्या होती है कि एक जाति प्रजाति होती है जाति का नाम पीछे लिखा जाता है आगे जो है वो जीन्स का नाम लिखा जाता है ठीक है तो इसी तरीके से आपके साइंस के अंदर आपने देखा कि अभी अभी दो अलग अलग प्रकार की रेड अलगाए रेड अलगाए आपको देखने को मिली है ठीक है इन रेड अलगाए का जो जीन्स का नाम है वो क्या है हाइपनिया हाइपनिया जो है वो जीन्स का नाम हो गया हाइपनिया का नाम हो गया एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी बुलाटा ये नई स्पीशी जो है वो देखने को मिली ये नई जाति नई प्रजाति प्रजाति हम लोगों को अलगाई के अंदर देखने को मिली नई प्रजातियां दो नई प्रजातियां जो है उनकी खोज हुई है समुद्री सेवाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपनिया इंडिका ये क्या है हाइपनिया इंडिका हाइपनिया इंडिका जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले नीचे वाले इलाकों में देखने को मिली है गुजरात के अंदर ही कंडाला के कांडला के अंदर देखने को मिली है वहीं मैं बुलाटा की बात करूं तो बुलाटा जो है वो दीव के अंदर देखने को मिली है मेरे को दमनदू दीव के अंदर कन्याकुमारी के पास में देखने को मिली है मतलब गुजरात और तमिलनाडु के इलाके में दो नई प्रकार की रेड अलगाए जो है वो देखने को मिली समुद्री सेवाल की ये जो लाल समुद्री सेवाल जो हम लोग को देखने को मिली है उसके अंदर आपको जीन से देखने को मिलेंगे और पीछे जो है वो प्रजाति देखने को मिलेगी अगर आप देखेंगे तो ये जो अलगा है ये जो नई प्रकार की अलगाय हम लोग को मिली है इस अलगाय का फायदा क्या ऐसा इस अलगाय के अंदर अगर आप देखोगे तो ये अलगाय क्या करती है इस अलगाय के अंदर से आपको कुछ बायो मॉलिक्यूल निकलते हुए दिखेंगे यही बायो मॉलिक्यूल जो है वो खाने में प्रयोग होते हैं खाद्य इंडस्ट्री के अंदर प्रयोग होते हैं खाद्य उद्योग के अंदर प्रयोग होते हैं क्योंकि खाद ये खाद्य उद्योग के अंदर प्रयोग किए जा सकते हैं इन्हें खाद्य उद्योग के अंदर प्रयोग किया जा सकता है इस कारण से ये जो रेड अलगा जो मिली है वो काफी ज्यादा प्रयोग है बायोमोलिक्यूल केनन नाम का बायोमोलिक्यूल निकलता है इनके अंदर से और यही बायोमोलिक्यूल जो है वो खाद्य उद्योग में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कारण तो इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर काफी ज्यादा अच्छी जरूरत हो सकती है पर आप देखेंगे तो ये जो रेड अलगा है ये कहाँ मिलती है ये हल्के समुद्र के अंदर ज्यादा डीप ओशन में नहीं गहरे और समुद्र में नहीं मिलती बल्कि ऊपर इलाकों में देखने को मिलती है पर आपको देखने को मिलेगा आज जिस प्रकार से समुद्र में बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण से आपको देखने को मिल रहा है जलवायु में बदलाव हो रहा है उस जलवायु के बदलाव के कारण समुद्र जो है वो एसिडिक हो, हो रहा है समुद्र कैसा हो रहा है जलवायु में परिवर्तन होने के कारण समुद्र जो है वो एसिडिक हो रहा और समुद्र के एसिडिक होने के कारण हो सकता है कि ये जो नई प्रकार की अलगाए मिली है ये कहीं ना कहीं लुप्त होने के चांसेस है तो हम लोगों को समुद्र को बचाना आवश्यक है क्योंकि समुद्र के अंदर जिस तरीके से कचरा वगैरह फेंका जाता है केमिकल फेंका जाता है जिसके कारण समुद्र जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है एसिडिक हो रहा है। उसका पानी कैसा हो रहा है एसिडिक हो रहा है। तो अगर हम लोग को इन प्रजातियों को बचाना है तो हम लोग को इसको आगे बढ़ाना होगा वीडियो अटक रही है क्या वीडियो अटक तो नहीं रही है इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं शनि की शनि सेटन सेटन आप देखोगे तो ऐसे गोले जैसा है शनि जो है वो जैसे गोले जैसा उसके आसपास ऐसी रिंग बनी हुई है ये रिंग क्यों है ये रिंग क्यों है किस कारण से इस रिंग के होने का कारण क्या है इस रिंग के आसपास ऐसे गोला सा एक मतलब रिंग जैसा देखने को मिलेगा ये क्यों है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि शनि के आसपास ये जो सैटेलाइट है ये जो है ये यहाँ पर उसके चांद है उसके पास लगभग बयासी चांद है यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग एट्टी टू चांद जो है वो किसके पास है शनि के पास इस कारण से शनि के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर चांद है उसी कारण से दे आपको देखने को मिलेगा कि समुद्र के आसपास एक रिंग जैसी बन रही है तो समुद्र क्या शनि के आसपास एक रिंग जैसी बन रही है और शनि के आसपास एक रिंग है जिसके अंदर उसके अलग अलग चांद है भारत के धरती का तो केवल एक ही चांद पर आपको शनि के 82 चांद देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पर 82 चांद हैं उसके पास 82 टू सेटेलाइट है इस कारण से उसके आसपास आपको रिंग जैसी देखने को मिलेगी अब आप इसी के अंदर देखोगे तो उन 82 चांद के अंदर आपको देखने को मिलेगा एनसेल नाम का एक चांद है एन सेल्डस नाम का एक चांद है इस यहाँ पर कसीनी नाम का एक मिशन भेजा गया कसीनी नाम का एक मिशन भेजा गया था ये कसीनी मिशन क्या था ये कसीनी मिशन जो है वो नासा नासा जानते हो यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोप की जो अंतरिक्ष एजेंसी है और इटली की जो अंतरिक्ष एजेंसी है। इन सब ने मिला के साथ में कोलेबरेट करके सहयोग करके एक सैटेलाइट जो है वो इन कैलेडर्स पे भेजी थी जिसको कहा जाता है जिस सैटेलाइट को कहा जाता है कसीनी और इस मिशन को कहा जाता है अनुसंधान मिशन स्पेस रिसर्च मिशन ठीक है अनुसंधान मिशन जो है वो वहां पर भेजा गया ताकि वहां का पानी जो है वो लाया जा सके वहां का पानी वहां की जमीन लाई जा सके वहां का पानी जब वहां के पानी का नमूना वहां से लाया गया तो पता लगा ये भारत के जैसे धरती के अंदर आप देखते हो ना धरती के अंदर करंट होते हैं धरती के अंदर करंट होते हैं धरती के अंदर क्या धरती के अंदर आप देखोगे तो धरती अंदर से धरती के जस्ट अंदर आप जाओगे तो कोर के जस्ट नीचे जाओगे तो क्रश के जस्ट नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गीला गीला मैगमा वो मैग्मा घूमता रहता है जिसके कारण से आपको देखने को मिलता है कि धरती के अंदरूनी भाग में करंट है और क्योंकि वहां पर करंट है सेम ऐसा ही करंट कहां पर देखने को मिला है इन सेलेडस में इन सेलेडस के अंदर आपको देखने को मिला इसके अलावा कुछ और फैक्ट आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कुछ ट्राइबल लोग हैं कुछ आदिवासी लोग हैं ठीक है, है? भिलाला भील, और पटेलिया भिल, पटेलिया नाम के है ना कुछ आदिवासी लोग आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे हर साल हर साल जब आपकी फसल की कटाई होती तो कटाई के दौरान आपको देखने को मिलता है कि जब भी फसल की कटाई होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा इसी कारण से पूरे देश भर में आपको एक त्योहार मनाते हुए हो दिखेगा होली होली जो है वो फसल की कटाई के दौरान ही देखने को मिलेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा आता हम लोगों की अर्थव्यवस्था एक टाइम पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी इस कारण से आपको हमारे त्यौहार जो है वो देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं कटाई के दौरान ही आते हैं जैसे बड़ा त्यौहार के अंदर आप होली और दिवाली देखोगे दोनों, दोनों के दोनों कटाई के दौरान ही आते हैं एक टाइम पे धान उगता है तो एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगा चावल उगता है ठीक है एक टाइम पे आपको गेहूं उगता हुआ दिखेगा अभी के टाइम पे आप गेहूं चढ़ाते हो दिवाली के टाइम पे आप चावल चढ़ाते हो भगवान को धानी चढ़ाते हो धान चढ़ाते हो क्यों चढ़ाया जाता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा अब देखोगे तो उस टाइम पे कटाई हुई है और कटाई के बाद लोगों के पास पैसा है तो लोगों ने उस चीज को त्योहार में बदल दिया वैसे ही यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी है आदिवासी कम्युनिटी है वो आदिवासी कम्युनिटी आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी जो क्या करती है जो एक भगोरिया नाम का त्यौहार मनाती है ये भी कटाई के दौरान एक भगोरिया नाम का त्यौहार होता है इसके अंदर जैसे ढोल पीटते हैं ढोल पीटते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं अलग अलग जगह से लोग आते हैं भील भिलाला और पटेलिया के वस्ते 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 सेम ही कम्युनिटी है सेम ही इलाके के लोग हैं ठीक है सेम जाति के लोग हैं तो वहां पर क्या होता है ना कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो पाई जिनकी शादी नहीं हो पाई है जो कंवरे जिन्हें कहते हैं उन कंवरे लोगों को वहां पर मिलाया जाता है कि ये अच्छी है वो अच्छी है ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसे करके मिलाया जाता है वहां पर शादी जो है वो फिक्स कराई जाती है इस त्यौहार को भगोरिया त्यौहार कहा जाता है भगोरिया त्यौहार कटाई के बाद ही क्यों आता है क्योंकि त्यौहार के अंदर शादी कराई जा रही है और शादी के अंदर पैसा लगता है शादी के अंदर पैसा लगेगा तो क्यों लगे कहाँ से लाया जाएगा कटाई से लाया जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा आया तो वो क्या करेगा उसको खर्च करने के लिए जगह ढूंढेगा तो ये भगोरिया त्यौहार जो है वो अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था इसके अलावा मैं बात करूं तो घोघारा आइसलैंड घोरागारा आइसलैंड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा ये गंगा के किनारे देखने को मिलेगा बंगाल में ठीक है बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये मोरा आइलैंड ठीक है इसी मोरा आइलैंड के पास में आपको देखने को मिलेगा काकद्वीप कच्छुबेरिया ये वेस्ट बंगाल है पूरा क्या है वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर आपको गंगा के किन गंगा नदी के जब सबूत में जाके मिलती है ये गंगा नदी आ रही है और ये समुद्र इसमें जाके मिलती है तो यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलता है घोड़ामारा आईलैंड घोड़ामारा आइलैंड के जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट शरणार्थी बन चुके हैं क्या बन चुके हैं सब इन्वायरमेंटल शरणार्थी बन चुके हैं क्या कारण है इस चीज का इन्वायरमेंटल शरणार्थी का मतलब क्या कारण ये है कि आप देखिए कि ये समुद्र के किनारे है और आप कुछ टाइम में देखेंगे तो समुद्र का जो लेवल है पानी का जो लेवल है वो लगातार ऊपर आ रहा है क्योंकि पानी का लेवल ऊपर आ रहा है तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो घोरा मारा जो द्वीप है ये घोरा मारा द्वीप क्या होगा पानी के अंदर डूबता चला जाएगा वहीं आप देखोगे तो घोरा मारा के ऊपर से अभी आपको अम्फन अम्फन नाम का अगर आप पेपर वेपर पढ़े हो तो अम्फन नाम का एक साइक्लोन आया था वो साइक्लोन आके यहाँ पर वेस्ट बंगाल पर टकराया था बंगाल के ऊपर टकराया था जब बंगाल के ऊपर टकराया तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कई सारी जो जमीन है वो उड़ गई का इरोजन हो जाता है जमीन का इरोजन हो जाता है है क्योंकि तेज हवाएं चली पानी जो है उसका लेवल और बढ़ा जिसके कारण घोड़ा मारा आइलैंड के लोगों को लगने लगा कि हम लोग यहाँ पे डूब जाएंगे तो ये लोग यहाँ से भाग के बंगाल के अंदर शरणार्थ ढूंढ रहे हैं बंगाल के अंदर अपने घर वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को क्या करें इन लोगों को जगह दे इनको शरणार्थ दे इनको खाना पीना दे ठीक है इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई तो ये कुछ प्रीलिम फैक्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट होते हैं है ना इतनी बात समझ में आई अरे थोड़ा तबीयत खराब था तो खड़े होने की नहीं बनी थी तो करके मैं बैठ गया हूँ इस कारण थोड़ा आज चेंज है अरे छोटा नहीं हो गया बाबा बैठा हुआ हूँ ठीक <laughs> है तो थोड़ा सा सेटअप चेंज है आज थोड़ा सा एक्चुअली मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ वो कंटेनमेंट जोन है कोरोना कंटेनमेंट जोन है तो हो सकता है मेरे को भी ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं मेरे को ना हो गया ना और आजकल है ना कोरोना का माहौल ऐसा बना दिया है कैसे पता लगता है कि पड़ोस में एक आध दो जगह कोरोना है और फिर आपको ना एकदम एक ऐसा एक लगता है कि बाप रे को ना हो गया एक खांसी आती तो ऐसा लग जाता है कि हे भगवान मैं तो गया चलिए रिवीजन कर ले समझ आ गया वो काम की बात कर लें कहो तो काम की बात कर ले चलो रिविजन कर लेते हैं है ना क्वेश्चन की बारी आ चुकी है आप लोगों के लिए ठीक है भारत ने कितने डोज भारत ने कितने डोज यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना को भेजे आपके ऑप्शन है दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख शांति के अंदर अगर आप देखोगे तो शांति सेना को भारत ने कितने कोरोना के डोज भेजे हैं कितने दो लाख दो लाख ठीक है अगली बात करते हैं तो सुनाल जो सुएज नहर है सुएज नहर है वो कौन से देश द्वारा बनाई गई है ठीक है कौन से देश द्वारा बनाई गई है और कौन से साल में बनाई ठीक है? है फ्रांस द्वारा ब्रिटिश द्वारा फ्रांस द्वारा ब्रिटिश द्वारा इंग्लैंड द्वारा या अमेरिका द्वारा किसके द्वारा सुयज कैनाल बनाई गई है सुवेज नहर जो है वो किसने बनाई है था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग काफी लेट हो जो लेट आ रहे हैं वो वीडियो शुरू से देख रहे हैं क्योंकि अब तो रिवीजन चल रहा है अब देखोगे तो समझ नहीं आएगा एक बार वो जो लाल लाल दिख रहा है ना यूट्यूब के ऊपर तो पीछे खिसका के एकदम शुरुआत में ले जाओ तब वहां से पढ़ना शुरू कर दो ठीक है 1857 नहीं 1858 है 1858 के अंदर फ्रांस ने बनाया था बना तो 1869 में था 1869 में फ्रांस ने बनाया था 1869 में परमिशन 1858 में मिली थी 1858 अगर आप बोलोगे तो परमिशन का टाइम है 1869 के अंदर बन के तैयार हुआ था 1858 के अंदर परमिशन मिली थी 1869 में बना था बनी के तैयार 1869 में हुआ था फ्रांस द्वारा ठीक है चलो ऊपर वाला जो बोलेगा मैं भी वही बोल देता हूं मैंने नहीं पढ़ा ठीक से ये सब मत किया करो अपना यूज किया करो ठीक है ठीक है अब ये बताओ ये बताओ कि अभी चाइना ने कौन सी कंट्री कौन से देश को 25 साल तक पैसे देने का प्रॉमिस किया है 25 साल तक 400 बिलियन डॉलर जो है वो देने का प्रॉमिस किया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेगा आपके ऑप्शन है इराक सऊदी अरेबिया ईरान यूएई कौन से देश को प्रॉमिस किया है चाइना ने भाई इसराइल के साथ कहा संधि कर ली ईरान के साथ संधि की है ना ईरान के साथ संधि की है ईरान के साथ पूरा ये न्यूज ही आपको ईरान के साथ में पढ़ा रहा हूं मैं कि चाइना और ईरान ने क्या किया है कि स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है कि 25 साल तक पैसे देंगे ईरान का तो दुश्मन था इसराइल बुक लिस्ट में ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ आईपीएस के लिए कोई अलग से बुक लिस्ट नहीं है कि आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको अलग से बुक लिस्ट लेनी पड़ेगी यूपीएससी की एक ही बुक लिस्ट है ठीक है तो वो बुक लिस्ट ग्रुप पे भेज चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे भेज चुका हूँ शुभेंद्र सर अन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहां पे मिल जाएगा ठीक है अगली बात करते हैं अगली बात करते हैं प्लस वन देश अगर मैं पी फाइव प्लस वन देशियों की बात करूं तो वो कौन से एग्रीमेंट में थे एकमात्र रहता एग्रीमेंट है यहाँ पे पी फाइव प्लस वन देश थे आपके ऑप्शन है ए डी एमओ टॉक में तीसरा है ज्वाइंट कंप्रसिव प्लान ऑफ एक्शन जेसी चौथा है नन ऑफ दिस किस एग्रीमेंट के अंदर P5 फाइव प्लस वन देशों का जिक्र किया गया कौन सा वो एग्रीमेंट था जिसके अंदर पांच परमानेंट मेंबर मैंने आपको बताए थे चाइना रशिया यूनाइटेड किंगडम फ्रांस और यूएस ये पांच परमानेंट मेंबर और एक जर्मनी इन सबको मिला के पी फाइव प्लस वन बनता इन पी फाइव प्लस वन देशों की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर इनका जिक्र कहां हुआ तो ये एग्रीमेंट याद रखना काफी ज्यादा न्यूज में रहा है जेसी पोवा जो कि 2016 में बना था अच्छा जेसी पोवा कौन से वर्ष में टूट गया था अमेरिका जेसी पोवा से कब बाहर हुआ था कौन सा वर्ष था आपके ऑप्शन है 2017 2015 2013 या 2018 क्या करू तो में जेसी पोआ तो हुआ तो 2016 में साइन हुआ तो में पहले जाके पहले से गया, क्या? बनने के पहले में टूट गया 2015 में जाके क्यों खैर ये बात मैंने बताई नहीं थी कौन से वर्ष में टूटा है बाकी मैंने थोड़े से लॉजिकल चीजें दी है कि जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे क्या हो सकता क्या हो सकता है ठीक है तो 2015 और 2013 तो आने ही नहीं चाहिए दिमाग में दो हजार तेरह और दो हजार पंद्रह तो आने ही चाहिए दो मिनट पहले बोल रहा हूँ दो हजार सोलह है दो हजार सोलह में साइन हुआ दो हजार पंद्रह में तुमने तोड़ दिया ठीक है तो अब आप क्या कर देते दो हजार सत्रह और दो हजार अठारह दो ऑप्शन है तो हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो दो तरीके होते हैं पहला तरीका कि आपको एग्जैक्ट आंसर आता है दो तो लगा के आना ही पर अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता मेरे को दो में कंफ्यूजन है तो कोई सा भी एक टिक मार देना ठीक है कोई सा भी एक टिक मार देना तो उससे क्या होगा कि आपकी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो चौबीस स्कोर जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा जैसे प्लस थ्री है प्लस थ्री होता है प्लस टू होता है, है माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन होता है अगर आपने दो दस क्वेश्चन ऐसे किए जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन था दो ऑप्शन में आपको पता था इन दोनों में से एक तो सही है आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दो के अंदर हुआ एग्रीमेंट तो दो हजार हो ही नहीं सकते तो आप कोई से भी एक ऑप्शन पे टिक लगा क्या हुआ? आप मान लो कि ऐसे आप दस क्वेश्चन कर तो अगर आपने दस क्वेश्चन किए तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन भी सही किया दो क्वेश्चन भी सही किया तो आपको चार पॉजिटिव मिलने चाहिए और आठ अगर आपने गलत किए तो एट बाय थ्री अगर माइनस करूं तो कितना होता है टू पॉइंट कुछ होता है टू पॉइंट सिक्स सेवन अगर मैं दो क्वेश्चन आप सही करते हो आठ गलत भी करते हो तब भी आप पॉजिटिव में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो चार माइनस टू पॉइंट सिक्स सेवन कर लो वन पॉइंट थ्री थ्री एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे ये तो मैं वर्ष सीनारी की बात कर रहा हूँ है ना तो आंसर दो हजार अठारह दो हजार अठारह के अंदर जेसी टूट चुका था जेसी 2018 दो हजार अठारह के अंदर टूट चुका था है ना अच्छा अगर मैं अठारह सो उन्नीस सौ की बात करूं तो उन्नीस सौ के दौरान जो आपका सुएस केनाल है सुएस केनाल है उसको कौन चला रहा था कौन कौन चला रहा था आपके ऑप्शन है इजिप्ट फ्रांस ब्रिटेन रशिया ये ऑप्शन नहीं है आंसर कोड है ठीक है आपके ऑप्शन है वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड फोर वन टू थ्री 2000 अगर मैं 1900 की बात करूं, अगर मैं 1900 की बात करूं तो 1900 के अंदर कौन से दो थे कौन से देश थे ऐसे जो सब कुछ चला रहे थे जो सुस कैनाल को चला रहे थे तो सीधी सी बात है कि इजिप्ट ने अपने स्टेक लंदन को कब बेचे थे 1875 में ठीक है 1869 में बना जब फ्रांस का आधा स्टेक था और आधा किसका था इजिप्ट का था इजिप्ट ने किसको बेच ब्रिटिश को भेज दिए कब बेचे सौ पिचहत्तर में अठारह से 1956 जब तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं होगा तब तक ब्रिटिश और फ्रांस चला रहे थे इजिप्ट तो 1956 में चलाएगा इजिप्ट 1956 में चलाएगा जब राष्ट्रीयकरण होगा तो आंसर क्या होगा फ्रांस और ब्रिटेन होगा सीधी सी बात है टू एंड थ्री होगा ये बताया कि नहीं बताया सारी चीजें ऐसे के ऐसे नहीं आएंगी आपके आंसर में ठीक है थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा लॉजिक नहीं लगाओगे तो मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं कर सकता कि आपको बिल्कुल आगे खिला दिया अठारह सो एटीन के अंदर ब्रिटिश को दे दिया फ्रांस और ब्रिटेन को दे दिया तो फिर ये भी बता रहा हूँ कि अठारह के में भी इन्हीं के पास था अठारह में भी इन्हीं के पास था ये नहीं कर सकता मैं आपको सीधे बताऊंगा कि उन्नीस सौ तो छप्पन में नेशनलाइजेशन हुआ तो सीधी सी बात क्या है कि इन दोनों के बीच में जो रहे होंगे वो ब्रिटेन और फ्रांस रहे होंगे है कि नहीं बांग्लादेश के बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी के ग्रुप थे उनको क्या कहा जाता आपके ऑप्शन है मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी मुक्ति होइनी मुक्ति नन ऑफ दिस बांग्लादेश में जो आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी उनका नाम क्या था उस ग्रुप का नाम क्या था मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी इसके अंदर तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए चलिए बांग्लादेश का लिबरेशन डे जो है वो याद रखिएगा 26 मार्च मनाया जाता है 26 मार्च क्या है बांग्लादेश का लिबरेशन डे पर बांग्लादेश के अंदर से पाकिस्तान फोर्स कब हारी वहां पर कब हराया भारत ने उन्नीस का युद्ध कब हराया तो आप वो बताओ आपके ऑप्शन है तीन दिसंबर चार दिसंबर पंद्रह दिसंबर या सोलह दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर बढ़िया तीन दिसंबर को तो मैंने बताया था युद्ध की शुरुआत हुई चार दिसंबर को तो आप नेवी डे बना रहे हो इस दिन कराची के ऊपर आक्रमण किया गया अगर चार दिसंबर के दिन आपने कर दिया है तीन दिसंबर को युद्ध शुरू किया चार दिसंबर में जीत गए थे तो, तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई एक दिन में तो युद्ध जीत के आ गया युद्ध तेरह दिन में जीता गया था बताया था कि नहीं 3 दिसंबर था, तीन दिसंबर को मैंने बताया कि तीन दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ चार दिसंबर को आपको देखने को मिला कराची के ऊपर आक्रमण किया हमने वहां पर उस दिन को नेवी डे बनाया अब मैंने ये भी बताया कि तीन दिसंबर को आजाद हुए और फिर तेरह दिन के अंदर हम लोगों ने आजादी दिला दी सोलह दिसंबर तक तो सोलह दिसंबर बांग्लादेश आजाद हुआ कि नहीं हुआ सोलह दिसंबर मैंने बताया था कि ये वो तारीख है जब तीन देश की आर्मी भारत के कमांडर को सैल्यूट कर रही थी वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था है ना? याद रहेगा सोलह दिसंबर याद रहेगा ये तो दिमाग में बैठा ही लो ये तारीख तो बैठा ही लो दिसंबर में ऐसी काफी सारी तारीख है जैसे 20 दिसंबर को गोवा जो है वो आजाद गोवा को हम लोगों ने लिब्रेट कराया था उन्नीस में ऑपरेशन विजय के तहत ठीक है है ना अब ये बताओ कि भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो भारत को बचाने वाला एक देश कौन सा था भारत किस देश के बिना बांग्लादेश को आजाद नहीं करा पाता क्लास की शुरुआत देख लेते पता लग जाता कहाँ बताया था पूरा हिस्ट्री बताया हूं मैं इस चीज का हिस्ट्री क्लास इसीलिए शुरू से देखा करो बीस से आओगे तो यही होगा रशीदा समझे तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे तो बांग्लादेश को बचाने वाले हम लोग जब, जब बचा रहे थे जब युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर काफी ज्यादा एक सपोर्टर देश आया था कौन देश था वो रशिया है ना था कि नहीं रशिया धरती पृथ्वी पर जैसे करंट पाए जाते हैं पृथ्वी पर जैसे करंट पाए जाते हैं वैसे ही करंट हम लोगों को शनि के एक शनि के एक चांद के ऊपर देखने को मिले उस चांद का नाम क्या है उस चांद का नाम क्या है आपके ऑप्शन है अपोलो दूसरा है टोरंटो तीसरा है इनक्लेव या फिर इन डस कौन सा चांद था जिसके ऊपर धरती जैसे वो देखने को मिले धरती जैसे करंट जैसे धरती में पाए जाते हैं वैसे ही वहां पर देखने को मिले अपोलो टोरंटो एनक्लेव एंसलाडस ठीक है एंसलाडस अभी हम लोगों ने न्यूज में एक बहुत अच्छे फेस्टिवल की बात की गई थी जो हार्वेस्टिंग के दौरान किया जाता है जो आपकी कटाई के दौरान बनाया जाता है भील भिलाई और पटेलिया के द्वारा भील भिलाई और पटेलिया के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है जिसके अंदर लोगों की शादी भी कराई जाती है उस त्यौहार का नाम क्या उस त्यौहार का नाम क्या ऑप्शन चाहिए ठीक है लो ऑप्शन है घोरा मारा भगोरिया, होली दिवाली भगोरिया भगोरिया इज द राइट आंसर भगोरिया इज द राइट आंसर घोरा मारा आइलैंड का नाम है भैया घोड़ा मारा जो है वो कहाँ है साहब घोड़ा मारा वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पर गंगा और वो मिलती है वहां पर आइलैंड का नाम है। क्या नाम है घोरा मारा गोरा मारा आइलैंड क्या हो रहा है डूबरा घोरा मारा आइलैंड क्या हो रहा है डूब है सुंदरबन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है।, है कौन कौन से देश ने जो आपके ये एनस्लाडस जो था एनसेल के ऊपर जो आपका अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था हमारे द्वारा उस उसके अंदर कौन कौन से देश भागीदार थे आपके ऑप्शन है अमेरिका अमेरिका इटली यूरोप इंडिया आपके ऑप्शन है वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन फोर थ्री घोड़ा हमारा डूब रहा है क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है ना समुद्र का लेवल बढ़ रहा है समुद्र का लेवल बढ़ रहा है समुद्र के लेवल के बढ़ने के कारण आइलैंड है तो वो डूबता चला जा रहा है और साथ में आप देखोगे तो वहां की भी भी इरोड हो रही है भी उड़ रही है जिसके कारण से वो छोटा भी होता जा रहा छोटा होता जा रहा पानी में डूबता जा रहा तभी तो लोग वहां से भाग रहे हैं अम्फन के बाद ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है ये आखिरी क्वेश्चन है ये बता दो कौन कौन से देश भागीदार हैं साहब बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड पर जो आंसर है वो मत बोलना बाकी सब बोल देना है ना मैंने बताया था कौन कौन सी स्पेस एजेंसी थी यहां पर लिखा हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी इटली की स्पेस एजेंसी और नासा की स्पेस एजेंसी तीन स्पेस एजेंसी बोला था मैंने नासा यूरोप और इटली यहां भारत कहां से आ गया भारत तो है ही नहीं यहां यहां तो भारत है ही नहीं नासा किसका है नासा अमेरिका का है कि नहीं है? तो अमेरिका इटली और यूरोप वन टू थ्री इज द राइट आंसर एक दो तीन चार कहां से आया इंडिया तो उसका भाग था ही नहीं इंडिया तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि इंडिया भाग है इस चीज का कौन कौन से नासा इटली और यूरोप है याद रहेगा नासा इटली यूरोप इसीलिए इसीलिए ये चीज करानी पड़ती है ना क्योंकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है वो साधारण मनुष्य मानव दिमाग जो होता है वो एक साथ इतनी चीजें कैच नहीं कर पाता इसी कारण से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार वापस से आपको फैक्ट रिवाइज करा के जाऊं ताकि आपके फैक्ट में कोई गड़बड़ ना हो जाए ठीक है कई बार बोलते रहते हैं नोट्स लिख रहे हैं उसके बीच में कुछ फैक्ट गड़बड़ हो जाते है ना चलो एक और चीज मैंने बताई थी कि जब भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो आगे एक नाम आता है पीछे एक नाम आता है तो आप बताओ कि आगे कौन सा होता है पीछे कौन सा आगे जो मैं पहले लिख रहा हूँ वो आगे का है जो मैं बाद में लिख रहा हूँ वो पीछे का है तो आपकी फैमिली का नाम और आपका नाम नेम है फैमिली नेम और पर्सनल नेम आता है जब साइंटिफिक नेम देते हैं तो दूसरा है कि आपके जीन्स का नेम आता है स्पीशीज का नेम आता है, तीसरा है स्कूल का नाम आता है निक नेम आता है चौथा है कि का नाम आता है साथ में फैमिली नेम आता है बताओ जब भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है किसी प्रजाति को जैसे हाइपनिया इंडिका हाइपनिया इंडिका दिया तो हाइपनिया आगे वाला है और इंडिका पीछे वाला तो ये वाले जितने आगे की साइड वाले ऑप्शन है ये हाइपनिया के लिए इंडिका के लिए ये है तो हाइपनिया क्या फैमिली है जींस है स्कूल नाम है स्कूल में लिखा हुआ है या वो नाम है या जींस का नाम है और इंडिका कौन सा नाम है उसका पर्सनल नाम है का नाम है निकने में या फैमिली नेम है ठीक सेकंड और दोनों ही सही है बात यह कि सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही है स्पीशीज को ही कई बार फैमिली कहा जाता कोई प्रजाति मिली तो वो एक प्रजाति है उस प्रजाति के अंदर एक परिवार भी रहता है तो टू और फोर दोनों ही सही है ठीक है चलिए इतने फैक्ट ठीक समझ में आ गए ना मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई ऐसा फैक्ट है जो छूटा होगा कोई छूटा होगा तो एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं अन का के, के टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एसा सी टेन कोड है जिससे आपको डायरेक्ट टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है ठीक है कोई डाउट है क्या आप लोगों को एनी डाउट तो पूछ सकते हो तो आगे जीन्स का नाम होता है कि फैमिली का नाम होता है आगे किसका नाम होता है जल्दी बताओ डाउट नहीं है तो ये भी बता दो कि आगे जीन्स का नाम होता है कि स्पीशीज का नाम होता है साइंटिफिक नेम में आगे कौन सा नाम होता है जीन्स होता है कि स्पीशी होता है आगे जींस आगे जीन्स होता है ना ठीक है अच्छा एक कभी एक चीज सोचे हो ठीक है ये फैमिली नेम वगैरह से मेरे को याद आ गया ठीक है होमोसेपियंस इंसान ठीक है होमोसेपियन जो होता है अगर आप देखोगे तो आदमी अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी बताता है होमो का मतलब होता है इंसान सेपियन का होता है वाइस ठीक है वाइज मैन मतलब क्या समझदार व्यक्ति ठीक है कभी एक चीज सोचा है क्या कि जो होमोसेपियन है जो अपने आप को काफी बुद्धिमान बताता तो जो बुद्धिमान प्राणी है ये बुद्धिमान प्राणी को पाओ से चलने में लगभग दो वर्ष लग जाते हैं बोलने में तीन चार साल लग जाते हैं हमारे यहाँ पर जो इंसान के बच्चे होते हैं उनको दो साल तक तो चलना सीखते हैं तीन चार साल तक वो बोलना सीखते हैं जबकि आप दूसरे जानवर देखोगे तो एक दो हफ्ते में बोलना सीख जाते हैं चलना सीख जाते हैं दौड़ना भागने लग जाते हैं अरे बी और डी दोनों सही था उस केस में यार इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मैं काफी इन चीजों के बारे में पढ़ता रहता हूँ साइंस काफी पसंद है मेरे को तो क्या हुआ था ना सालों पहले अगर आप देखोगे तो ढेर सारे जानवर थे ठीक है ढेर सारे जानवर थे आपको देखने को मिला कि हम लोगों ने अग्नि का आविष्कार किया जब हम लोगों ने अग्नि का आविष्कार किया तो उसका एक फायदा हुआ अग्नि के आविष्कार को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है हम लोगों ने काफी सारे आविष्कार किए हम लोगों ने काफी सारे आविष्कार किए पर अग्नि के आविष्कार को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है कारण यह है कि जब अग्नि हम लोगों ने बनाई तो अग्नि के पहले हम लोग कच्चा मांस खाते थे जानवर को पकड़ के कच्चा को खाना पचाने में प्रयोग होती थी पर जब हम लोगों ने आग का आविष्कार किया तो आग के आविष्कार करने के बाद में आप देखोगे तो हमारा इंटेस्टाइन की जो एनर्जी थी वो कम होने लगी खाना पचाने में जो शरीर की एनर्जी लगने लगी वो कम होने लगी तो इंसान ने क्या किया इंसान ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया दिमाग की तरफ वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो कहा जाती थी वो सारी दिमाग की तरफ जाती थी और आप देखोगे तो उस टाइम पे इंसान का दिमाग 200 क्यूबिक मीटर का था क्यूबिक सेंटीमीटर का था वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा आज आपको 1200 से 1400 क्यूबिक मीटर का इंसान का दिमाग दिखता है ठीक है तो ये कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि हम लोगों का जो शरीर है उस शरीर ने क्या किया पे अपना जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम होती थी जो एनर्जी वो खाता था उसको हम लोगों ने केंद्रित कर दिया दिमाग में केंद्रित कर दिया क्योंकि दिमाग अब उस एनर्जी को लेने लगा क्योंकि खाना पका हुआ मिल रहा था अब खाना पका हुआ मिल रहा था था तो तो पाचन के अंदर आसानी से पच रहा था, तो एनर्जी नहीं लग रही थी तो वो एनर्जी दिमाग में पहुंची और दिमाग जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ इंसान का जब दिमाग बड़ा हो रहा था तो जब महिला उस इंसान को जन्म देती है इंसान को जन्म देती है तो एकदम से इतना बड़ा दिमाग जब बाहर आएगा तो उसकी वजह से महिलाओं को तकलीफ होती थी जिसके कारण से कई सारी महिलाओं की मृत्यु काफी ज्यादा होने लगी थी दो लगभग एक मिलियन साल पुरानी बात तो महिलाओं के अंदर आपको देखने को मिला कि काफी ज्यादा मृत्यु हो रही बच्चा होता तो महिला की मृत्यु हो जाती थी क्यों क्योंकि आदमी का सर इतना बड़ा निकलता दिमाग इतना बड़ा निकलता तो महिलाओं ने एक नई चीज अडॉप्ट करना शुरू कर दी धीरे धीरे करके इंसानों ने एक नई चीज को अडॉप्ट किया प्री मेच्योर बर्थ मतलब हम लोग पहले दो साल बाद पैदा होते थे डिलीवरी जो होता था वो लगभग दो ढाई साल के अंदर होता था ऐसा माना जाता है पर हम लोगों ने प्रीमे बर्थ का लेके आ गए कि अब इंसान का दिमाग बड़ा हो उससे पहले ही जब वो छोटा सा रहे तभी उसके डिलीवरी कर दी जाती उसको तभी उसका मतलब जन्म देने शुरू कर दिया महिलाओं ने जन्म देना शुरू कर दिया जिसके कारण से आपको देखने को मिलता है कि इंसान जो है वो हकीकत में दो साल बाद इसलिए चलना फिरना सीखता है क्योंकि वो जो दुनिया में आया वो जल्दी आया ये जो नौ महीना है ये जल्दी है उसके मुकाबले इसी कारण से आप देखेंगे तो इंसान के जल्दी दुनिया में आने से क्या हुआ उसको दुनिया में समय ज्यादा मिलने लगा अब वो काफी ज्यादा प्री मेच्योर था काफी ज्यादा छोटा था तो अब क्या किया जा सकता है जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसको किसी भी रंग में ढाला जा सकता है तो वो जो छोटा बच्चा जो प्री मेच्योरली दुनिया में आया है तो उसके पास दो साल एक्स्ट्रा मिल गए है ना जो कि बच्चा जब छोटा होता है लगभग 20 साल तक 18 15 साल तक आप देखोगे तो उसका दिमाग विकसित होता है अब वो दो साल पहले आया तो वो दो साल एक्स्ट्रा एड हो गए तो वो सत्रह साल तक विकसित हो रहा क्योंकि दिमाग जो है वो उसका विकसित होना उसके पेट से ही शुरू हो चुका है उसके पेट से ही विकसित होना शुरू हो चुका है तो उसका दिमाग जो है वो उस टाइम से विकसित होना शुरू हो चुका है पहले उसके विकसित होने का टाइम पंद्रह साल था तो अब हमारे जन्म के बाद सत्रह साल तक हम लोगों का दिमाग विकसित होता है जिसके अंदर हम लोग सत्रह साल तक व्यक्ति के अंदर नए नए थॉट डाल सकते हैं बात समझ रहे हो तो इस तरीके का ये पूरा खेल है ऐसा कुछ हुआ था ऐसा कुछ हुआ था सालों पहले इंसान ने अलग अलग जानवर ने अपनी ऊर्जाओं को अपने मांसपेशियों में लगाया पर इंसान ही एकमात्र ऐसा जानवर है जिसने अपनी एनर्जी को अपनी शक्तियों को दिमाग पे लगाया और जब दिमाग पे लगाया तो इंसान का दिमाग बड़ा होता चला उस टाइम पे हम लोग इतने सारे जानवर को काट मार के नहीं खा पाते थे तो उस टाइम तक हम लोग इंसेक्ट को खाते थे तो छोटे छोटे जानवर को खाते थे तो क्योंकि हम लोगों के शरीर में अगर मांसपेशियों में देखो तो इतनी शक्ति नहीं थी पर हम लोगों ने दिमाग पे जो इन्वेस्टमेंट किया वो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को काम आया हम लोग भी बाद में उसी के लिए हथियार बना दिए और फिर उसके बाद वो जानवर जो हमको काटते थे हम उनको खाना शुरू कर दिए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था कल एक बुक पढ़ रहा था सेपियन करके उसके अंदर से इंसान किस तरीके से बने वो सारी चीजें थी तो उसी बुक पढ़ रहा था मेरे को काफी चीज अच्छी लगी तो वो मैंने सोचा कि चलिए बता देता हूं ये भी है ना ओके तो यहां से चलते हैं खत्म करते हैं यहां पे क्लास को थैंक यू